अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी मतलब सर्वांग समता। तो वैसे तो हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी दो फिगर चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, कोई भी दो फिगर चाहे वो दो डायमेंशनल की हो चाहे वो 3D की हो, वो कॉन्ग्रुएंट होती है। कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तब होंगी जब उनका साइज भी सेम हो, जब उनका साइज भी सेम हो मतलब उनका आकार भी सेम हो और उनकी शेप भी सेम हो, साइज भी सेम और उनकी शेप भी सेम हो। क्लियर है ना? तो कोई भी चाहे 2D फिगर हो चाहे 3D फिगर हो, उनका साइज सेम है और उनका शेप भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, वो दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि हर करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पता लगाने के लिए कि कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं हम एक एक चीज चेक करते फिरें, हम एक एंगल नापें या हम एक लंबाई नापें, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ स्पेशल कंडीशन होती है कि यदि दो फिगर उन स्पेशल कंडीशंस को फुलफिल करती हैं तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सारी फिगर्स की बात नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। तो कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनका साइज भी सेम हो उनका शेप भी सेम हो। कहने का मतलब होता है कि ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, तीन एंगल होते हैं, तो उनको कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तीनों एंगल भी बराबर होनी चाहिए और ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होनी चाहिए। अगर एक लाइन में मैं कॉन्ग्रुएंसी को बोलना चाहूं तो कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाए, 1 हो जाए। कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज सर्वांग सम बन जाएंगे यदि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या बन जाए, 1:1 बन जाए। क्लियर है? जैसे कि मैं आपके सामने यहां पे दो ट्रायंगल बनाता हूं, ध्यान से देखना, हमारे सामने यहां पे दो ट्रायंगल है। क्लियर है? यह है ट्रायंगल एबीसी और दूसरा है ट्रायंगल आपका डीईएफ, दूसरा ट्रायंगल डीईएफ। अब इन दोनों ट्रायंगल में खास बात यह है कि एंगल ए जो है वो आपका एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो आपका एंगल ई के इक्वल है और एंगल ये जो सी है आपका ये एंगल एफ के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल आपस में बराबर है, तो ये कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है। और ये भी दिया हुआ है सपोज कि साइड एबी की जो लंबाई है वो साइड डीई के बराबर है, एबी की जो लंबाई है वो डीई के बराबर है, ये दिया हुआ है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, एंगल सी के सामने साइड ए बी, एंगल एफ के सामने साइड डी ई, तो साइड ए बी और साइड डी ई क्या होगी, करस्पॉन्डिंग साइड, और करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल दिए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना हो गया, 1:1। जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 हो गया तो ईच करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 होना चाहिए, यानी कि साइड बी सी की जो लंबाई है वो किसके बराबर आ जाएगी, ई एफ के बराबर, और साइड ए सी की जो लंबाई है वो किसके बराबर आ जाएगी, डी एफ के बराबर। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड भी बराबर आ गई और इनके तीनों एंगल्स भी बराबर आ गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट। और ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का, सर्वांग समता का। ये वाला ट्रायंगल एबीसी और ये वाला ट्रायंगल डीईएफ एक दूसरे के एकदम सर्वांग सम है, वो कि इनमें तीनों साइड्स भी बराबर हैं और तीनों एंगल्स भी बराबर हैं। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। क्लियर है ना? ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, यहां पे देख सकते हो, ए के करस्पोंडिंग वर्टेक्स वर्टेक्स डी, बी के करस्पोंडिंग ई और सी के करस्पोंडिंग वर्टेक्स क्या है आपका एफ। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? चलिए, तो मैंने आपको एक सिंपल मोटी सी ये बात बताई कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि वो सिमिलर होने के साथ साथ यदि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 है। क्लियर है? चलिए, अब यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एंगल ए जो है बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है आपका किसके एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है आपका किसके एंगल एफ के। ये बात होनी होनी एंगल में। साइड की बात करें तो साइड ए बी बराबर है आपका साइड डी ई के, साइड ए सी बराबर है आपका डी एफ के, साइड बीसी बराबर है आपका ई एफ के, तो तीनों साइड भी बराबर होंगे, तीनों एंगल्स बराबर होंगे। तो क्या कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता चेक करने के लिए हमको ये छह की छह बातें चेक करना जरूरी है? नहीं। सर्वांग समता चेक करने के लिए दो ट्रायंगल की सिर्फ कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, चार, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर वो फुलफिल होती है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि उनके तीनों एंगल और तीनों साइड इक्वल होंगे। पहली प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं यहां पे, पहला वो है आपका एस एस एस। सबसे फर्स्ट और सबसे इजी है आपका एस 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 का मतलब साइड मतलब भुजा। जैसे क्या मतलब इसका एस 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 का, कि सपोज अपने पास कोई दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल अपने पास ट्रायंगल डी ई एफ, दूसरा है अपने पास ट्रायंगल डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल है अपने पास, और ये दिया हुआ है कि साइड ए बी की वैल्यू जो है साइड डी ई के बराबर है, साइड बी सी की वैल्यू साइड ई एफ के बराबर है, साइड ए सी की वैल्यू साइड डी एफ के बराबर है। तो ये क्या है, दोनों ट्रायंगल में एस 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 साइड भुजा 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 इक्वल है। ए बी क्या है, किसके इक्वल है तुम्हारा, डी ई के इक्वल दिया है। क्लियर है? कोई दिक्कत? और आपका बी सी जो है ई एफ के इक्वल दिया है और आपका ए सी जो है डी एफ के इक्वल दिया। सिर्फ तीन कंडीशन आपको दिए, तीनों साइड दोनों ट्रायंगल की इक्वल दिए, करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, हम इनको कॉन्ग्रुएंट मानेंगे, ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कि आपका एंगल ए ऑटोमेटिकली, जहां ये बात आपको देखी आप तुरंत लिख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। क्लियर है कि नहीं? यानी कि एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर। क्लियर है? कोई डाउट? ये समझ में आई चीजें सबको? बहुत आसान से रिजल्ट थे। ठीक है, चलिए हम इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनिए।
ऐसा क्यों हुआ मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि तीनों साइड इक्वल होते ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए। अगर तीनों साइड दोनों ट्रायंगल की इक्वल हैं तो हीरोंस फार्मूला से इनका एरिया भी बराबर आएगा। भाई हीरोंस फार्मूला जो आपका हीरोंस फार्मूला है अंडर रूट एस माइनस एस माइनस, उनसे इनका एरिया भी बराबर आ जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल आएगा तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफटी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफटी इक्वल आएगा, एरिया भी इक्वल आएगा, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है ना, तो हीरोंस फार्मूला से एरिया भी इक्वल आएगा जब साइड बराबर है। यदि मैं ट्रायंगल एबीसी का एरिया लिखना चाहूं तो क्या ट्रायंगल एबीसी का एरिया ये नहीं होगा 1/2 AB into AC और उनके बीच के एंगल का साइन, यानी कि साइन होगा कि नहीं होगा? क्लियर है, कोई डाउट? चलिए इसी तरीके से यदि मैं ट्रायंगल DEF का एरिया लिखना चाहूं तो क्या ये नहीं होगा 1/2 DE into DF, 1/2 DE into DF, DE into DF और उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन D, ये होगा कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? ध्यान से देखिए तो 1/2 से 1/2 AB और DEB और DE आपस में बराबर है, AC और DF आपस में बराबर है, तो साइन A बराबर साइन D आ गया। अगर हम कंपेयर करेंगे तो एंगल A की वैल्यू किसके बराबर आ गई? एंगल D के बराबर आ गई, आगे कि नहीं? यानी कि इसी तरीके से यदि मैं और भी एरियाज को इक्वल रखूं तो मैं प्रूफ कर सकता हूं कि एंगल A तो आपका इक्वल आ चुका है एंगल D के, एंगल B आपका इक्वल हो जाएगा एंगल E के, और एंगल C आपका एंगल इक्वल हो जाएगा आपका एंगल F के। तो तीनों साइड तो बराबर मान के ही चले थे, तीनों एंगल भी बराबर आ गए, जिस वजह से दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम हो गए। क्लियर है, नो डाउट? तो पहली प्रॉपर्टी थी बहुत बेसिक थी, तीनों साइड इक्वल तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है, सबको बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम यहां पे SAS, सेकंड वाली SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। क्लियर है, कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं सारी चीजों को। भुजा कोण भुजा क्या है ये? अपने पास सपोज दो ट्राइंगल हैं, हमारे पास सपोज दो ट्राइंगल हैं, एक है आपका ट्राइंगल ट्राइंगल एबीसी और दूसरा है आपका ट्राइंगल ट्राइंगल डीईएफ, ट्राइंगल डीईएफ, दो ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल डीईएफ। तो इसमें गिवन है कि साइड एबी की वैल्यू साइड डीई के बराबर, साइड एसी की वैल्यू साइड डीएफ के बराबर। क्लियर है, और उनके बीच वाला एंगल, उनके बीच वाला एंगल इक्वल दिया है, यानी कि ये एंगल भी थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, उनके बीच वाला एंगल क्या दिया है आपको इक्वल दिया, ये एंगल भी थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? हाँ भाई, कोई डाउट है? चलिए, ये एंगल भी इक्वल दिया, ये एंगल भी इक्वल दिया, मतलब दो ट्रायंगल है उनकी दो साइड इक्वल दी है, जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है, ए बी इक्वल दिया आपको डीई के, ए सी इक्वल दिया डीएफ के, और उनके बीच वाला एंगल दिया, मतलब ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, उनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, कोई और एंगल नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके बीच वाला एंगल इक्वल दिया, दो साइड उनके बीच वाला एंगल, तो भी हम क्या मान लेंगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, मतलब इनकी तीनों की साइड आपस में बराबर है, तीनों साइड उनके तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल वो भी इक्वल है, ये हम मान लेंगे सिर्फ इतनी बात देखकर ही। कैसे मानेंगे? ध्यान से सुनिए, अगर ये ट्रायंगल में ये ए बी डी के इक्वल है, ए सी डी एफ के इक्वल है, बीच वाला एंगल भी बराबर है, तो क्या 1/2 एक्स वाई साइन थीटा क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है कि नहीं? यदि किसी ट्रायंगल की साइड एक्स वाई हो और उनके बीच के एंगल थीटा हो तो ट्रायंगल का एरिया ये होगा। अगर हम यहां से देखो तो ये जो साइड ए बी, ये साइड डी के इक्वल है, ये साइड ए सी साइड डी एफ के इक्वल है, बीच वाला एंगल इक्वल ही दिया है, तो 1/2 एक्स वाई साइन थीटा से क्या दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होगा कि नहीं? दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, और अगर दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, तो अगर दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है और दो साइड आपस में इक्वल है एबीडीई एसीडीएफ, तो हीरोस फार्मूला से क्या फिर तीसरी साइड इक्वल नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, तीसरी साइड बीसी भी ईएफ के बराबर होनी चाहिए, तभी हीरोस फार्मूला से उनका एरिया इक्वल आ सकता है, वरना एरिया अलग अलग आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यदि तीसरी साइड भी इक्वल आ गई, दो साइड ऑलरेडी इक्वल दे रखी है, यानी कि दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? एनीबॉडी? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको ये एंगल थीटा तो ये आपको ये एंगल थीटा, यहाँ पे ये एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा दे रखा है, और पूछ ले कि बताओ ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, पता नहीं। ओके, दो साइड उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा, हम शॉर्ट के साथ नहीं कह सकते ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा होता तो दो साइड इक्वल है, उनके बीच का एंगल इक्वल है, तब ये दोनों ट्रायंगल शॉर्ट शॉर्ट कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम होते। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? एनीबॉडी? बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा, विद प्रूफ भी पता है कि कहां से ये चीज निकल के आती है। चलिए आगे देखेंगे एक और थर्ड, AAS, क्लियर है? AAS, अभी मैंने क्या बताया था आपको? SAS, साइड एंगल साइड, अब ये है आपका AAS, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। क्लियर है, कोण कोण भुजा। यदि हमारे पास सपोज कोई दो ट्रायंगल हो, ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल आपके पास ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है सपोज आपके पास ये ट्रायंगल डीईएफ, एक तो है ट्रायंगल एबीसी और दूसरा है आपका पास ट्रायंगल डीईएफ, एबीसी और डीईएफ, ये दो ट्रायंगल है आपके पास। क्लियर है, अब इनमें क्या दिया कि दो एंगल आपस में आपको इक्वल दिए, ये एंगल ए जो है आपको एंगल डी के बराबर बोला है और एंगल बी आपको एंगल ई के बराबर बोला है, और एक साइड इक्वल दिया है, कौन सी साइड इक्वल दी है कि सपोज ये मान लीजिए साइड ए बी जो है साइड डीई के इक्वल दिए, साइड ए बी जो है साइड डीई के इक्वल दिए, साइड ए बी साइड डीई के इक्वल दिए। क्लियर है,
कोई डाउट इसमें? चलिए, अब ये इंफॉर्मेशन आपको दी है तो भी आप समझ जाओगे कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांशम। कैसे? यदि दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल दिए हैं, यानी कि एंगल एंगल बी के बराबर, एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, और त्रिभुज के तीनों कोणों का एंगल 180 डिग्री होता है, तो तीसरा एंगल यानी कि एंगल सी, इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल यानी कि एंगल एफ, ये ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे, यानी कि एंगल सी तुम्हारा ऑटोमेटिकली इक्वल किसके आएगा, एंगल एफ के। एंगल सी जो है ऑटोमेटिकली एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, और जब ये इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। यहां पे एंगल सी के सामने साइड ए बी, यहां पे एंगल एफ के सामने साइड डी ई, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी डी ई के बराबर है। दो एंगल इक्वल दिए होते हैं और एक साइड इक्वल दी हुई थी ए बी डी ई के बराबर। अगर ए बी डी ई के बराबर है तो यहां से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ कितना गया, ए बी बाई डी ई कितना गया, 1, 1 बटा 1, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1 बटा 1 आ गया, यानी कि ईच करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1 बटा 1 होगा, यानी कि साइड बीसी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, साइड ई एफ के बराबर आ जाएगी, और साइड ए सी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, आपकी डी एफ के बराबर आ जाएगी। साइड ए सी की जो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आपका DF के बराबर आ जाएगी। क्लियर है? तो यदि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है और सिमिलर होने के साथ साथ यदि उनकी किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 है तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को, एनीबॉडी? चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ और देखेंगे एक और लास्ट, RHS। RHS जो हम काफी यूज करते हैं, सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है हमारे हिसाब से, RHS। RHS RH जो कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशन है वो मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगती है, समकोण त्रिभुज के लिए लगती है। क्लियर है? तो RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, राइट एंगल मतलब समकोण, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, और साइड मतलब भुजा, साइड मतलब भुजा। तो मैंने पहले बता दिया कि ये जो कंडीशन है आपकी मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगती है। अब सपोज आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं, ये हैं आपके दो समकोण त्रिभुज। क्लियर है? कोई डाउट? राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं, एक तो है आपका पास ट्रायंगल एबीसी और दूसरा है आपके पास ट्रायंगल डीईएफ। क्लियर है? दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, यानी कि इसमें ये एंगल बी 90 डिग्री, इसमें एंगल ए 90 डिग्री। ओके, और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड प्रॉपर्टी का मतलब ये कि दो ट्रायंगल में राइट एंगल तो है, एसी और डीएफ आपस में इक्वल है, यानी कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूस की लंबाई आपको इक्वल गिवन है। ट्रायंगल 90 डिग्री 90 डिग्री और आपको गिवन है एसी बराबर डीएफ, हाइपोटेन्यूस एसी बराबर हाइपोटेन्यूस डीएफ, ये आपको गिवन है। दूसरा, आपको कोई भी एक साइड इक्वल दी है, लाइक हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपकी जो साइड ए बी है ये साइड डी ई के इक्वल है। साइड ए बी जो है ये किसके इक्वल है, साइड डी ई के इक्वल है। साइड ए बी जो है किसके इक्वल है, साइड डी ई के इक्वल है। साइड ए बी जो है साइड डी ई के इक्वल है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, मतलब राइट एंगल दिया है, हाइपोटेन्यूस बराबर दिया है, और आपको क्या दिया है, साइड ए बी साइड डी ई के इक्वल है। एक कोई भी साइड इक्वल दिया, हाइपोटेन्यूस इक्वल दिया, राइट एंगल तो है ही। तो भी हम क्या कह सकते हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के एकदम कॉन्ग्रुएंट है, एकदम सर्वांगसम है। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? कैसे भाई, अगर हाइपोटेनस बराबर है, ये एसी तुम्हारे डीएफ के बराबर है, ए बी तुम्हारे डीई के बराबर है, तो क्या फिर पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड, पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड बीसी जो है वो ईएफ के बराबर नहीं आएगी, एकदम आएगी? पाइथागोरस थ्योरम हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर बराबर इस साइड का स्क्वायर, दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर बराबर दिस साइड स्क्वायर। यहां पर ये हाइपोटेनस इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से बीसी ईएफ के बराबर आएगा, और जब बीसी ईएफ के बराबर आएगा तो दोनों ट्रायंगल में क्या होगी, तीनों साइड बराबर होगी, साइड ए बी साइड डी ई के, साइड ई सी साइड डी एफ के, बी सी जो ई एफ के, और जब तीनों साइड ही बराबर होगी तो एस 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 वाली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई उससे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये आपको याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपको 13 दिया है और राइट एंगल ट्रायंगल में ये भी आपको 13 दिया है, और ये सपोज आपको 12 दिया, ये 12 दिया है, और ये राइट एंगल राइट एंगल है, तो आपसे पूछा ये ट्रायंगल कैसे होंगे, तो आप देखते बोलोगे कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि अगर ये 13 12 तो डेफिनेटली 5 ही होना पड़ेगा, ये 13 12 तो इसको भी 5 ही होना पड़ेगा, 5 12 13 5 12 13 राइट एंगल भी है, तो कैसे ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो ये थी चारों की चारों प्रॉपर्टी आपकी कॉन्ग्रुएंसी की। ठीक है, अभी आरएचएस की प्रॉपर्टी में ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको एक सिंपल सी चीज और दिखाना चाहूंगा एक आरएचएस में, ये भी आपका यूज होता है। चलिए, जैसे सपोज आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो ये हो गया, क्लियर है, एंड दूसरा एक आपके पास ये हो गया, आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर है ना, दिस वन इज ए बी सी एंड दिस वन इज डी ई एफ, डी ई एफ, आपके पास इस तरीके से दो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर है ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, साइड ए सी की जो वैल्यू है वो डी एफ के इक्वल है, यानी कि दोनों का हाइपोटेनस इक्वल दिए, और साइड ए बी जो है, साइड ए बी सपोज एक्स है, और साइड डी ई ये सपोज आपका वाई है, ये सपोज आपका वाई है, अलग अलग है, मतलब हाइपोटेनस बराबर है, 90 डिग्री है, ये साइड एक्स है, ये साइड वाई है, और क्वेश्चन में दिया है बीसी प्लस ई एफ, बीसी प्लस ई एफ बराबर एक्स प्लस वाई, या फिर ये भी बोल सकता है कि बीसी और बीसी प्लस ई एफ बराबर एक्स प्लस वाई, ये आपको गिवन, बीसी प्लस ई एफ बराबर एक्स प्लस वाई, क्लियर है, ये आपको गिवन है, सपोज बीसी प्लस ई एफ बराबर एक्स प्लस वाई, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो बीसी प्लस ई एफ बराबर एक्स प्लस वाई, क्लियर है। चलिए, तो आपको बताना है कि
ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम होंगे कि नहीं, BC बराबर BC प्लस EM बराबर दिया X प्लस Y, और आपको बताना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम होंगे कि नहीं, ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट। ध्यान से देखिए, आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री 90 डिग्री, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, दोनों के हाइपोटेनस इक्वल दिए, ये साइड एक्स दिया ये साइड वाई दिया, और बीसी और ईएफ का सम जो है, इस बार बीसी प्लस ईएफ का सम दिया है आपको एक्स प्लस वाई, बीसी और ईएफ का सम दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, तो भी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे कैसे। ध्यान से देखिए, सपोज इस साइड को थोड़ी देर के लिए मैं 13 सेंटीमीटर मान लेता हूं, 5x13 के ट्रिपलेट्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये भी आपको 13 सेंटीमीटर की बने 13, तो अगर ये 13 है तो सपोज ये मैंने कितने, ये 12 है, ये साइड 12 है और ये साइड जो है 5 है, ये 12 है ये 5 है, ट्रिपलेट ये होता है ना 13 12 5, और यहाँ पे 13 5 और ये 12 है, यही तो बनेगा ट्रिपलेट। अगर ध्यान से देखो ये 13 सेंटीमीटर इक्वल है, ये 12 5 अलग अलग है, तो 12 5 17 और इन दोनों का सम 5 प्लस 12 17, यदि इन दोनों का सम भी 17 ही बैठता है, क्योंकि जस्ट इंटरचेंज होगा, इसको 12 लिखोगे इसको 5 लिखोगे इसको 5 लिखोगे इसको 12 लिखोगे, तभी तो बीसी प्लस ईएफ तुम्हारा एक्स प्लस वाई के बराबर आ पाएगा, क्लियर है, बीसी प्लस ईएफ तभी तो तुम्हारे एक्स प्लस वाई के बराबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एसी 13 सेंटीमीटर दिया, यहाँ पे डीएफ 13 सेंटीमीटर दिया, दोनों को हाइपोटेनस इक्वल दिए, ये साइड आपको कितनी दिया 12 सेंटीमीटर, ये साइड कितनी दिया आपको 5 सेंटीमीटर, तो ये ऑब्वियसली है कि 12 प्लस 5 17 होता है, तो अगर इन दोनों का सम भी 17 है, तो अगर देखो केवल तभी पॉसिबल है जब ये 5 हो ये 12 हो, तो 5 प्लस 12 कितना होता है 17, यानी कि इन दोनों का सम भी एक्स प्लस वाई के बराबर है, दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है फुलफिल हो रही है, क्लियर है, कोई डाउट। क्वेश्चन में ऐसे भी कह सकता है कि बीसी से ईएफ का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ले रहा हूं मतलब पॉजिटिव डिफरेंस, बीसी से ईएफ का जो डिफरेंस है वो एक्स माइनस वाई है, बीसी से ईएफ का डिफरेंस एक्स, यदि इनका डिफरेंस भी एक्स माइनस वाई के बराबर बोलता है ना, तो भी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये 13 सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर, सपोज ये 12 है ये 5 है, तो 13 ये 12 5, तो यहां पे बीसी और ईएफ का डिफरेंस सपोज आपको दिया है 7 12 5 7 के बराबर, तो केवल तब पॉसिबल है जब ये 5 है 12 हो, यानी कि इनका डिफरेंस भी कितना हो तुम्हारा 7 हो, क्लियर है, कोई डाउट। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन यदि आपको देता है कि इन दोनों का सम एक्स प्लस वाई, यानी कि इन दोनों के बराबर, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, तो भी समझ जाओगे कि आप दोनों ट्रायंगल कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए एक बार जैसे सपोज ये साइड दिया आपको 25 सेंटीमीटर, कितने दिया 25 सेंटीमीटर, क्लियर है, और ये साइड दिया सपोज आपको 7 सेंटीमीटर, क्लियर है, और इन दोनों का सम कितना दिया है सपोज आपको, ये साइड दिया आपको 24 सेंटीमीटर, ये साइड दिया 24 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर ही, और इन दोनों का सम कितना दिया आपको 31, बीसी प्लस ईएफ का सम कितना रखा आपको 31, तो आप समझ जाओगे कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट, 25 सेंटीमीटर दिए 7, ये 25 दिए 24, तो अगर ये 25 से 7 है तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम से 24 ही आने वाला है, और ये 25 से 24 है तो ये तो तुम्हारा 7 ही आने वाला है, और 24 प्लस 7 कितना दिया आपको 31 दिया, तो सम तो 31 ही है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, यानी कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या रहेंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्लियर है सबको। तो ये चार प्रॉपर्टी थी कॉन्ग्रुएंसी की, आपको पता होनी चाहिए। अब इससे हम आइसोसेलस ट्रायंगल के दो इंपॉर्टेंट केस निकालने की कोशिश करेंगे, उनको देखेंगे ध्यान से। देखिए आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा आइसोसेलस ट्रायंगल समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, ठीक है, सपोज अपने पास एक आइसोसेलस ट्रायंगल है समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी, एक आइसोसेलस ट्रायंगल मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, जैसे ट्रायंगल एबीसी इसमें साइड एबी जो है साइड एसी के इक्वल है, दैट मींस एक आइसोसेलस ट्रायंगल है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें गिवन है आपको एबी बराबर एसी, साइड एबी बराबर एसी, क्लियर है। अब हमने क्या किया, इसका बाइसेक्टर खींचा, एंगल ए का क्या खींचा हमने, एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये क्या है तुम्हारा एडी, एडी क्या है तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर, एडी इज एंगल बाइसेक्टर, एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ध्यान से सुनना। अपने पास एक आइसोसेलस ट्रायंगल था जिसमें साइड ए बी साइड ए सी के बराबर है, तो लेटरल साइड इक्वल है, ये वर्टेक्स एंगल है, वर्टेक्स एंगल का हमने बाइसेक्टर खींचा, एडी है जो साइड बी सी को आके पॉइंट डी पे मिलता है, तो आइसोसेलस ट्रायंगल के केस में स्पेशल बात होती है कि जब वर्टेक्स एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचे एडी, तो ये जो लाइन एडी है यही तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है, ये जो लाइन एडी है ये क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर है, लाइन एडी दिस इज एंगल बाइसेक्टर, और ये एंगल बाइसेक्टर होने के साथ साथ ये तुम्हारा एल्टीट्यूड भी है, ये इस ट्रायंगल की हाइट भी है, ये इस ट्रायंगल की हाइट भी है, एल्टीट्यूड होने के साथ साथ ये ट्रायंगल की मीडियन भी है, ये ट्रायंगल की माध्यिका भी है, यानी कि आइसोसेलस ट्रायंगल के केस में ये एडी जो लाइन होती है यही एंगल बाइसेक्टर होती है, यही एल्टीट्यूड यही ट्रायंगल की हाइट होती है, और ये ट्रायंगल की मीडियन भी होती है, ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। अभी आया कैसे ये चीज समझने की कोशिश करते हैं, अपने पास एक आइसोसेलस ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी जिसमें साइड एबी साइड एसी के इक्वल है, आपको गिवन है, ठीक है भाई, और यहां पे ये जो है एंगल बाइसेक्टर आपका खींचा गया है इस तरीके से, एंगल बाइसेक्टर आपका खींचा गया है एडी, मैं यहां पे दो ट्रायंगल देख सकता हूं, ट्रायंगल एडीबी त्रिभुज एडीसी, ट्रायंगल एडीबी ट्रायंगल एडीसी, मेरे पास दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में साइड बी साइड एसी के इक्वल है, ये एंगल यदि सपोज तुम्हारा थीटा है, ये एंगल सपोज यदि तुम्हारा थीटा नहीं अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है, क्योंकि दोनों ही क्या है आपस में एंगल बाइसेक्टर, एंगल भी अल्फा एंगल भी अल्फा, तो यदि मैं ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एडीसी को ध्यान से देखूं तो दोनों में ही एबी बराबर क्या है एसी के, एंगल बी ए डी बराबर किसका है एंगल सी ए डी के, और ए डी बराबर है तुम्हारा ए डी के, जो कि दोनों ही ट्रायंगल में क्या है कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है, हमने क्या रिजल्ट निकाला कि इस आइसोसेलस ट्रायंगल में साइड ए बी साइड ए सी के इक्वल है, ए डी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, दैट मींस बराबर है, और ये तुम्हारा एंगल बी ए डी एंगल सी ए डी के इक्वल है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर अल्फा अल्फा, तो साइड
एंगल साइड, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ए बी डी और आपका ट्राइंगल ए डी ए सी डी, ए सी डी दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए, दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये ट्राइंगल ए डी बी और ये ट्राइंगल ए डी सी दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। अगर दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला जो एंगल भी है अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल इक्वल होंगे क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 90-90 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, 90-90 हो जाएगा कंप्लीट 180 डिग्री, क्लियर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट हैं तो BD अल्फा के सामने लेंथ, BD अल्फा के सामने लेंथ DC, तो BD और DC आपस में इक्वल हो जाएंगे, BD और DC भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, BD बराबर DC आ जाएगा, और BD बराबर DC आ जाने का मतलब है कि ये जो लाइन AD है तुम्हारी क्या बन गई, मीडियन बन गई, माध्यिका बन गई। तो अब हमारी बात ध्यान से सुनिए, हमने यहां पे क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल ADB ट्रायंगल ADC का क्या आ गया, सिमिलर आ गया, और सिमिलर होने के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया क्योंकि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है, तो अगर ये एंगल थीटा तो एंगल भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ऐसे होता ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं तो आपके एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, अपोजिट साइड के एंगल भी इक्वल होते हैं। क्योंकि हमने ये एंगल बाइसेक्टर खींचा तो ये एंगल आपस में बराबर होना चाहिए था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो बराबर बराबर करना था, तो 90-90 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री तो AD क्या है, इस पे एल्टीट्यूड है, इसलिए हमने AD को एल्टीट्यूड भी लिखा। यहां पे अल्फा के सामने BD, यहां पे अल्फा के सामने DC, करस्पॉन्डिंग लेंथ है, कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से 1:1 का रेशियो होगा, तो BD DC के बराबर है, BD DC के बराबर यानी कि लाइन AD साइड BC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि AD क्या है, मीडियन है। तो ट्रायंगल के केस में यही एंगल बाइसेक्टर होता है, यही एल्टीट्यूड होता है और यही तुम्हारा मीडियन होता है। कोई डाउट किसी को, ये बात आपको पता होनी चाहिए, यही एल्टीट्यूड होगा, यही परपेंडिकुलर होगा, एल्टीट्यूड होगा, यही एंगल बाइसेक्टर होगा, यही मीडियन होगा। दूसरी बात, त्रिभुज के चार सेंटर होते हैं, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, इन सेंटर बनता है किससे, आपके एंगल बाइसेक्टर से, तो आपका इन सेंटर यहीं पे होगा, आपका इन सेंटर इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, क्लियर है। कोई डाउट किसी को, ठीक है, आपका इंसेंटर कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है और इंसेंटर हमेशा एंगल बाइसेक्टर्स पे होता है, तो इंसेंटर आपका इसी लाइन पे होगा। क्योंकि ये लाइन एडी मीडियन भी है तो सेंट्रोइड जो है आपका इसी लाइन पे होगा, सेंट्रोइड आपका इसी लाइन पे होगा, क्लियर है। क्योंकि ये आपका एल्टीट्यूड भी है और ऑर्थो सेंटर आपका एल्टीट्यूड से बनता है, तो ऑर्थो सेंटर भी कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा, क्लियर है, कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा। और आपका सर्कम सेंटर जो होता है ओ, सर्कम सेंटर जो होता है ओ, वो भी इसी लाइन पे होगा, क्योंकि ये जो लाइन है तुम्हारा सर्कम सेंटर किससे बनता है, मैं आगे सिखाऊंगा आपको। सर्कम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन, साइड बीसी पे ये जो लाइन एडी है परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी कर रही है, यानी कि सर्कम सेंटर भी यहीं पे होगा। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलस है, साइड एबीसी के इक्वल, यदि एडी एंगल बाइसेक्टर तो यही मीडियन होगा, यही एल्टीट्यूड होगा, एंगल थीटा होगा, बीडीडीसी के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ये एडी तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है और इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन, तो आपका एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होता है, तो इन सेंटर कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा। दूसरी बात, यदि ये एडी एल्टीट्यूड भी है तो ऑर्थो सेंटर होता है तुम्हारा एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन, तो ऑर्थो सेंटर भी यही पे होगा। यदि तुम्हारा एडी मीडियन भी है तो मीडियन हो रहा, यदि एडी मीडियन है तो सेंट्रोइड होता है मीडियन का इंटरसेक्शन, तो सेंट्रोइड भी इसी लाइन पे होगा, और ऑर्थो सर्कम सेंटर भी इसी लाइन पे होगा, क्योंकि सर्कम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। ये जो लाइन है एडी परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट भी करती साइड बीसी को, तो ये सर्कम सेंटर भी इसी लाइन पे होगा। तो कहने की बात ये है कि आइसोसेलस ट्रायंगल के केस में जो आपके चारों सेंटर हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल के केस में जो आपके चारों सेंटर हैं, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ये चारों एक ही लाइन में होते हैं और वो लाइन होती है आपकी स्पेशल, ये लाइन एडी। समझ में आया सबको? आइसोसेलस ट्रायंगल के केस में जो आपके चारों सेंटर होते हैं, दैट मींस इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, चारों के चारों एक ही लाइन पर होते हैं, क्योंकि यही एल्टीट्यूड है, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और यही तुम्हारा मीडियन है, तो चारों के चारों आपके जो सेंटर्स होंगे इंपॉर्टेंट, वो इसी लाइन पे होंगे। तो ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आइसोसेलस ट्रायंगल के केस में, क्लियर है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि यदि किसी ट्रायंगल में चारों सेंटर एक ही लाइन पे है तो ट्रायंगल कैसा है, तो आप तुरंत छोड़ते ही जवाब दोगे कि भाई वो ट्रायंगल है आइसोसेलस। एक इंपॉर्टेंट बात और, यदि किसी ट्रायंगल में चारों सेंटर एक ही पॉइंट पे आ जाएं, यदि किसी ट्रायंगल में चारों सेंटर एक ही पॉइंट पे आ जाएं, सेंटर भी यही, सर्कम सेंटर भी यही, ऑर्थो सेंटर भी यही, सेंट्रोइड भी यही, तो ट्रायंगल फिर बन जाएगा इक्विलेटरल, फिर वो इक्विलेटरल बन जाएगा, समबाहु। लेकिन चारों सेंटर यदि एक ही लाइन पे सीधी रेखा में, तो उस समय ऐसा क्या रहेगा आपका, आइसोसेलस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। कहां से आया ये भी मैंने आपको प्रूफ करके बताया, क्योंकि यही लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर, यही एल्टीट्यूड, यही मीडियन है, क्लियर। वो डाउट इसमें, चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और रिजल्ट देखेंगे सिंपल सा। सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इसमें पॉइंट बी से एल्टीट्यूड डाला गया है तुम्हारा बीडी, ये तुम्हारा एल्टीट्यूड है बीडी, और यहां पॉइंट सी से तुम्हारा एल्टीट्यूड डाला गया इस तरीके से, तुम्हारा सीई, ये तुम्हारा एल्टीट्यूड है 90 डिग्री का एंगल, और दोनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को पॉइंट ओ पे काटते हैं सपोज, और क्वेश्चन में गिवन है कि यहां पे एल्टीट्यूड बीडी की लंबाई जो है एल्टीट्यूड सीई के बराबर है, एल्टीट्यूड्स की जो लंबाई है एल्टीट्यूड बीडी की लंबाई एल्टीट्यूड सीई के बराबर, ये आपको गिवन है। तो ये ट्रायंगल कैसा है, इस ट्रायंगल का नेचर क्या है,
इस ट्रायंगल का नेचर क्या है, तब देखते ही बता दो कि यदि किसी ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड आपस में बराबर हैं, यदि किसी ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड आपस में बराबर हैं, तो ट्रायंगल होगा हमेशा आइसोसेलस समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलस समद्विबाहु त्रिभुज। और यदि किसी ट्रायंगल में तीनों ही एल्टीट्यूड बराबर है, यानी कि BD बराबर है तुम्हारा CE के, और यदि मैं थर्ड एल्टीट्यूड डालूं AF, तीनों के तीनों एल्टीट्यूड बराबर आ जाए, तो फिर तुम्हारा ट्रायंगल हो जाएगा इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के केस में तीनों एल्टीट्यूड की लंबाई क्या होती है, इक्वल होती है, जबकि आइसोसेलस ट्रायंगल के केस में यदि दो एल्टीट्यूड हैं इस तरीके से, तो ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? ये बात आपको याद रखनी है, ये बात मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा प्रूफ करके। क्लियर है, ये बात मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। चलिए अब देखते हैं, ये है आपका ट्रायंगल ABC। पहली बात, अगर मैं इसमें देखना चाहूं चीजों को ध्यान से, तो मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, एक है आपका ट्रायंगल ये ABD, ट्रायंगल ABD। क्लियर है, आप देख सकते हो ट्रायंगल ABD, और अपने पास एक दूसरा ट्रायंगल भी है, एक दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल AEC, ट्रायंगल AEC, दो ट्रायंगल है अपने पास, दो ट्रायंगल है। क्लियर है, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री, इसमें ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो तीसरा एंगल दोनों ट्रायंगल्स का ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, यानी कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे, भाई एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, और ये वाला एंगल कॉमन है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने क्या दे रखा है आपको AD, इस वाले एंगल में इस एंगल के सामने क्या दे रखा है आपको AE, और यानी कि AD और ये दे रखा है आपको AE, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि BD बराबर क्या दे रखा है आपको, CE, एल्टीट्यूड की लंबाई आपको इक्वल दी है, और दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में, सिमिलर है, ओके, ये एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, एल्टीट्यूड की लंबाई इक्वल दी। तो यदि मैं ट्रायंगल ABD की बात करूं, इसमें इस वाले एंगल के सामने एंगल A के सामने क्या है तुम्हारा BD, और यदि मैं ट्रायंगल AC की बात करूं, तो इसी सेम एंगल के सामने क्या है तुम्हारा AC, और BD और AC क्या बनगी, दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड बनगी, और करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है, उनका रेशियो 1:1 है, तो ईच करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी 1:1 होना चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो अगर मैं ट्रायंगल AEC में 90 डिग्री के सामने की बात करूं, तो 90 डिग्री के सामने क्या है AC, और ट्रायंगल ADB में 90 डिग्री के सामने की बात करूं, तो 90 डिग्री के सामने क्या है तुम्हारा AB, यानी कि रिजल्ट निकल गया कि करस्पॉन्डिंग साइड AB की लंबाई AC के बराबर है, यदि AB की लंबाई AC के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को, एनीबॉडी? क्लियर है, सबको बात समझ में आई? तो बहुत सिंपल सा रिजल्ट था, आपको ध्यान रखना है कि आपके पास यदि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जिसमें दो एल्टीट्यूड इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि आप देख ही सकते हो यहां पे कि दो ट्रायंगल सर्वांगसम आ गए, ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल AEC, कैसे, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन, ये एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल, और इस वाले एंगल के सामने इसमें क्या है BD, और सेम इसी एंगल के सामने इसमें क्या है CE, और BD की लंबाई CE के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 है, तो 90 डिग्री के सामने AC, 90 डिग्री के सामने AB, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये भी कितना होगा, 1:1 होगा, यानी कि ये ट्रायंगल कैसा होगा आपका, आइसोसेलस होगा। क्लियर है, कोई डाउट? इसी बात को मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताता हूं, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, तो ये तो भी मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी से बताया, इसको दूसरे नजरिए से बताऊं, जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसमें एल्टीट्यूड BD, एल्टीट्यूड CE की लंबाई इक्वल है, तो ट्रायंगल आइसोसेलस होगा। अच्छा, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। यदि मैं ट्रायंगल ABC के एरिया की बात करूं, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, यदि मैं साइड AC को बेस मानता हूं, तो उसमें परपेंडिकुलर क्या है BD, तो ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 AC इनटू BD। क्लियर है, ओके। इसी तरीके से यदि मैं साइड AB को बेस मानता हूं, साइड AB, तो उसमें परपेंडिकुलर होगा CE, तो ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 AB इनटू CE। दोनों ही ट्रायंगल के एरिया है, दोनों ही ट्रायंगल ABC के एरिया है, और दोनों ही एरिया क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, BD जो है CE के ऑलरेडी इक्वल दिया है एल्टीट्यूड की लंबाई, तो यहां से क्या आएगा, AC बराबर AB, और जब साइड AC बराबर AB के इक्वल आ गया, यानी कि ट्रायंगल कैसा होगा तुम्हारा, आइसोसेलस ट्रायंगल होगा। तो इस तरीके से आप एरिया को इक्वेटर के भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो, यानी कि कुल मिलाकर यदि किसी ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड इक्वल, तो ट्रायंगल आइसोसेलस, तीन एल्टीट्यूड इक्वल होंगे, तीनों के तीनों, तो ट्रायंगल क्या होगा तुम्हारा, इक्विलेटरल। आइसोसेलस ट्रायंगल के केस में तुम्हारा दो साइड इक्वल होती है, लेटरल साइड, उनके बीच के एंगल से तुम एंगल बाइसेक्टर खींचोगे, वही मीडियन होगा, वही ट्रायंगल की एल्टीट्यूड होगी, और चारों सेंटर जो है, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, वो उसी लाइन पे होंगे। क्लियर है, अब देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी पे हम क्वेश्चंस। So, अब हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखना है। कॉन्ग्रुएंसी से ऐसे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते हैं, ना ही क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा, जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करा दूंगा, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इन दी गिवन फिगर चूज करेक्ट वन, दिए गए ऑप्शन में से सही विकल्प चुनिए, ठीक है। आपके पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF, इसमें ये साइड 9 सेंटीमीटर, इसमें ये साइड आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, देख सकते हैं ये साइड 9 सेंटीमीटर, साइड 12 सेंटीमीटर, यहां पे ये साइड आपकी 9 सेंटीमीटर दी है, यहां पे ये साइड आपकी 12 सेंटीमीटर दी है, यहां पे 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर के बीच का एंगल कितना है 34 डिग्री, यहां पे 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर के बीच का एंगल नहीं पता क्या है थीटा। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू EDF, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू FED, ट्रायंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट? क्योंकि
आपका यहां पे ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंट होने के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी साइड एंगल साइड कि दो साइड बराबर होनी चाहिए और उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। तो यहां पे 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर के बीच में 34 डिग्री का एंगल है। यहां पे 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर के बीच में आपको एंगल ये थीटा ये पता नहीं है, बल्कि ये एंगल आपको 34 डिग्री का दिया। तो ये एंगल 34 ना होगा, यदि ये एंगल 34 डिग्री होता ना तो 9 12 साइड इक्वल उनके बीच का एंगल 34, 9 12 साइड इक्वल उनके बीच का एंगल 34, तब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो पाते। पर यहां पे तो आपको ये प्रॉपर्टी लगी नहीं, यहां पे ये एंगल 34 दिया, यहां पे ये एंगल 34 दिया, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत आसान है, अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर इफ एसी इक्वल टू EF, आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए ABCDEF, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें AC मतलब हाइपोटेनस, EF मतलब हाइपोटेनस बराबर बराबर दिए। AB की लंबाई कितनी दी है 11 सेंटीमीटर, DF की लंबाई कितनी दी है 60 सेंटीमीटर, DF दिया 60, DF कितना दिया 60। BC प्लस DE, BC मतलब क्या, BC मतलब ये कांटा दूरी अदर देन हाइपोटेनियस, और DE मतलब ये कांटा दूरी अदर देन हाइपोटेनियस। इनका जो सम है वो 71 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड AC, AC की वैल्यू क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं RHS में, अगर ध्यान से देखो तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF, इसमें ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो हाइपोटेनियस दोनों के इक्वल है, हाइपोटेनियस बराबर है, ये साइड 11 है, ये साइड 60 है, तो 11 प्लस 60 कितना होता है 71, और अदर जो टू लेग्स बची है यहां पे BC यहां पे DE, BC प्लस DE का सम भी कितना दिया है 61। मतलब भाई यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड दी है 11 और 60, और अदर टू साइड का सम कितना दिया है 71, और हाइपोटेनियस दोनों के इक्वल है, तो अदर टू साइड तुम्हारी रिवर्स 60 और 11 होनी चाहिए कि नहीं। मतलब यहां पे BC तुम्हारा 60 हो जाएगा, DE तुम्हारा 11 हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस तभी तुम्हारा इक्वल हो पाएगा, हाइपोटेनियस 11 60 61 ट्रिपलेट होता है। देखिए हाइपोटेनियस दोनों का इक्वल है 61, हाइपोटेनस करना दोनों का इक्वल है 61, ये 11 है, ये 60 है, तो ऑलरेडी ये तुम्हारा 60 होगा, ये 11 होगा, 60 प्लस 11 भी 71 होता है, 60 प्लस 11 भी 71 होता है, तो सब कुछ सेटिस्फाई यहां पे करता है। तो यहां पे हाइपोटेनस AC की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना है आपकी 61, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट? बहुत आसान था, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर व्हिच आर इज ट्रू, व्हिच वन इज ट्रू, निम्न में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे इस तरीके से आपको दे रखा है, एक ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल डीईएफ, ये 60 है 50 है, तो ये एंगल कितने का बचा 70 डिग्री का, 70 डिग्री का, ये 70 है 60 है, तो ये एंगल कितने का बचा 50 डिग्री का, तो 50 60 70, 50 60 70, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में सिमिलर है, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हो ही गए। यहां पे 50 डिग्री के सामने साइड एसी और यहां पे 50 डिग्री के सामने साइड डीई, तो 50 डिग्री के सामने साइड एसी, 50 डिग्री के सामने साइड डीई, तो एसी और डीई दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है 1:1 है, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 हो गया, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम भी हो गए, यानी कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट लिखोगे, ये है तुम्हारा वर्टेक्स ए 60 डिग्री के, ई ए के करस्पॉन्डिंग क्या है तुम्हारा ई होना चाहिए, ए के करस्पॉन्डिंग ई है, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं है, ये आंसर मेरा बिल्कुल नहीं, दो ही ऑप्शन बचे। क्लियर है? ठीक है। दूसरा ये बी है, तो बी 50 डिग्री, यहां पे 50 डिग्री कौन सा है एफ, तो बी के करस्पॉन्डेंस क्या है तुम्हारा एफ है, सी ये भी आंसर मेरा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट है। ये कितना बचा 70, सी है, यहां पे 70 क्या है तुम्हारा डी, तो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईएफडी, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, क्योंकि मुझे यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि एंगल ए के जो यहां पे करस्पॉन्डेंस है वो तुम्हारा एंगल ई है, तो ये तो आंसर ऐसे नहीं हो सकता, दो ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गए, दूसरे दोनों ट्रायंगल तुम्हारे क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो ये फोर्थ ऑप्शन में आंसर नहीं हो सकता, आंसर क्या तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फोर को ध्यान से देखिए। इन दी गिवन फिगर इफ CF इज परपेंडिकुलर टू AB, दिए गए चित्र में ये जो लाइन है आपका CF, ये जो CF है तुम्हारा परपेंडिकुलर है, CF इज परपेंडिकुलर टू AB, सो दिस इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है? CF इज परपेंडिकुलर टू AB, BE इज परपेंडिकुलर टू AC, तो ये जो लाइन BE है तुम्हारा परपेंडिकुलर है AC पे, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री का आपको गिवन है। ठीक है, ट्रायंगल ABC मस्ट बी त्रिभुज ABC, आवश्यक रूप से क्या होगा, तो यहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर ये हैं BE और CF, साइड AB और ये तुम्हारा साइड AC पे। आप देखिए, यदि मैं परपेंडिकुलर BE की टोटल लंबाई की बात करूं तो BE की लंबाई क्या है, BE की लंबाई है आपका क्या 3x plus 3y, 4x plus 2y, यानी कि 7x plus 5y, BE की लंबाई क्या है तुम्हारी 7x plus 5y। यदि मैं परपेंडिकुलर ये जो एल्टीट्यूड है CF की बात करूं, CF की टोटल लंबाई क्या है, तो 4x plus y plus 3x plus 4y, तो कितना है तुम्हारा 7x plus 5y, तो जो लंबाई BE की है वही लंबाई CF की है, दोनों एल्टीट्यूड की टोटल लेंथ इक्वल है, 3x plus 3y, 4x plus 2y, 7x plus 5y, 4x plus y plus 3x plus 4y, 7x plus 5y, तो एल्टीट्यूड BE और एल्टीट्यूड CF दोनों ही आपस में इक्वल है, तो यदि एक ट्रायंगल की यदि दो एल्टीट्यूड आपस में इक्वल हो तो ट्रायंगल कैसा होगा, ट्रायंगल होगा हमेशा आइसोसेलस, समद्विबाहु त्रिभुज, ट्रायंगल कैसा होगा आइसोसेलस ट्रायंगल होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो बहुत आसान है, इजी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंसी का आपके पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जैसे क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है वैसे क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे क्या गिवन है।
AD इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC ऑफ ट्राइंगल ABC. तो आपके पास है एक ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC. तो ये हो गया आपका ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC. क्लियर है? सिंपल सा. अब क्या है इसमें, AD इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC ऑफ ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC में एंगल ABC का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचा गया. ये क्या है तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है. और एक लाइन वर्टेक्स A से इस तरीके से खींची गई है AD, एक लाइन इस तरीके से खींची गई है AD की. जो लाइन AD है ये एंगल बाइसेक्टर इस एंगल बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर है, यानी कि दिस एंगल इज 90 डिग्री. दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री. क्लियर है? कोई डाउट? यहां से आप सीधा सीधा प्यार से एंगल बाइसेक्टर खींचा जा रहा था, वर्टेक्स A से एक लाइन खींची AD, इस एंगल बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर है. DE इज थ्रोन, DE इज ड्रॉन थ्रू D एंड पैरेलल टू BC. तो इस पॉइंट D से एक लाइन खींची जाती है DE, जो किसके पैरेलल है, थ्रोन डी एंड पैरेलल टू बीसी. ठीक है, पैरेलल टू बीसी. तो पॉइंट डी से एक लाइन खींची जाती है आपकी जो तुम्हारी बीसी के पैरेलल हो. तो इस तरीके से लाइन आएगी आपकी डीई. ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, डीई एक लाइन है जो तुम्हारे किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है. पैरेलल लाइन आपको दी है, थ्रो डी पैरेलल टू बीसी. टू मीट एसी एट ए, एसी को जाके कहां पे मिलती है, पॉइंट ई पे. द लेंथ ऑफ एसी इज 12 सेंटीमीटर. एसी की जो लंबाई है वो बताइए आपको कि 12 सेंटीमीटर है. एसी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है. देन द लेंथ ऑफ ए इज व्हाट, एई की लंबाई क्या है, आपसे पूछिए. क्लियर है? तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं. आप देख सकते हो ट्रायंगल एबीसी है, एंगल एबीसी का एंगल बाइसेक्टर, वर्टेक्स ए से लाइन खींची है एडी, तो जाके एंगल बाइसेक्टर को 90 डिग्री के मिलती है पॉइंट डी पे. पॉइंट डी से लाइन खींची है डीई, जो बीसी के पैरेलल है, जो साइड एसी को पॉइंट ई पे जाके मिलती है. यदि एसी की लंबाई 12 है तो आपसे एई की वैल्यू पूछिए. क्वेश्चन बहुत आसान है. ये जो लाइन एडी, यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो जाके सपोज ये लाइन बीसी को एफ पॉइंट पे मिलती है. मेरे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बीडीए, ट्रायंगल बीडीएफ, ट्रायंगल बीडीए, ट्रायंगल बीडीएफ. दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्गुरेंट है, सर्वांग सम है. कैसे? ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल होंगे, अल्फा अल्फा. ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल इक्वल इक्वल होंगे. तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हो ही गए. यहां पे इस एंगल के सामने तुमको साइड बीडी दिख रही है, सेम इस एंगल के सामने यहां पे साइड आपको बीडी दिख रही है. बीडी साइड दोनों में कॉमन है, जो कि करेस्पोंडिंग साइड है. करेस्पोंडिंग साइड का रेशियो 1:1 है. तो यहां पे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए. एएएस प्रॉपर्टी से दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है. अगर सर्वांगसम है तो आपकी ये जो अल्फा के सामने एडी, अल्फा के सामने डीई, अल्फा के सामने एडी, अल्फा के सामने डी, यानी कि एडी की लंबाई डीई के बार, अल्फा के सामने एडी, अल्फा के सामने डीएफ, जो लंबाई एडी की है वही लंबाई डीएफ की होगी. यानी कि डी क्या हो जाएगा, लाइन एएफ का मिड पॉइंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा तुम्हारा, मिड पॉइंट. तो एडी और डीएफ आपस में इक्वल इक्वल हो गया. कोई डाउट इसमें? चलिए, यदि मैं ट्रायंगल एएफसी की बात करूं, त्रिभुज एएफसी की बात करूं, तो डी क्या है, लाइन एएफ का मिड पॉइंट है. अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से एक लाइन खींची गई है किसके पैरेलल, एफसी के पैरेलल. तो जाके मिड पॉइंट थ्योरम से एसी के मिड पॉइंट पर ही मिलेगा कि नहीं. मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको बताया कि यदि भी किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचता हूं तो जाके अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पर ही मिलेगा. ट्रायंगल एएफसी को ध्यान से देखिए, साइड एएफ का मिड पॉइंट डी है, मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन जा रही है इसके पैरेलल एफसी के पैरेलल, तो जाके मिड पॉइंट पर ही मिलेगा. ई जो है साइड एसी का मिड पॉइंट होगा. यदि एसी की वैल्यू 12 है तो एई की वैल्यू हाफ, यानी कि कितना होगी 6 सेंटीमीटर, और ईसी भी कितना होगा आपका 6 सेंटीमीटर. दोनों इक्वल इक्वल होगा. क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो इसका आंसर क्या, आपका सी ऑप्शन 6 सेंटीमीटर. क्लियर है? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा सवाल है. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. इन ट्राइंगल PQR, PQ बराबर 13 एंड PR बराबर 17 सेंटीमीटर. तो आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR इस तरीके से बना हुआ है. फिगर भी है क्वेश्चन में. यह है ट्राइंगल PQR, इसमें साइड PQ जो है ये 13 है, साइड PR जो है ये आपका 17 है. ठीक है, S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, साइड QR का मिड पॉइंट S है. ठीक है, PT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, और एंगल QPR का एंगल बाइसेक्टर खींचेगा ये PT. इस तरीके से ये PT है. ठीक है, और उसके बाद में क्या बोला है, एंगल PTQ 90 डिग्री, और यहां पे इस तरीके से मिलाया गया है TQ को कि ये जो एंगल बना है ये एंगल 90 डिग्री का है. दिस एंगल, एंगल PTQ इज 90 डिग्री. क्लियर है? आपके मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल, एंगल PTQ ये एंगल है 90 डिग्री. ठीक है, चलिए आपसे पूछा है ST की लंबाई क्या है, ST की लेंथ बताइए. कोई डाउट इसमें? तो बहुत आसान सवाल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं. देखो एंगल बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर, हमेशा क्या करना है आपको समझ में ही आ गया होगा. इसको क्या करिए, आगे बढ़ा दीजिए. इसको क्या कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए. सपोज जाके ये पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट सपोज आपका यू है, आगे बढ़ा दीजिए यू. तो मुझे दो ट्रायंगल मिले, ट्रायंगल PTQ, ट्रायंगल PTU, ट्रायंगल PTQ, ट्रायंगल PTU. ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है. ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल हो गए. तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल का, और ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे. इस वाले एंगल के सामने यहां पे PT, इस वाले एंगल के सामने यहां पे PT, तो करेस्पोंडिंग साइड का रेशियो 1:1, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के साथ-साथ कॉन्ग्रुएंट भी हो गए. अगर यहां पे 90 डिग्री के सामने 13 है,
ट्रायंगल पीटीक्यू में 90 डिग्री के सामने 13 है, तो ट्रायंगल पीटीयू में भी 90 डिग्री के सामने 13 ही होगा, यानी कि पीयू की लंबाई 13 सेंटीमीटर आ गई। जबकि पीआर आपसे 17 सेंटीमीटर बोला था, तो यूआर क्या आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। यूआर कितना आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, यूआर की लंबाई 4 सेंटीमीटर आ गई। अब ध्यान से सुनिए, ट्रायंगल पीटीक्यू ट्रायंगल पीटीयू दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी है, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो अल्फा के सामने क्यू टी, अल्फा के सामने टी यू, तो क्यू टी और टी यू आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी कि टी क्या होगा मिड पॉइंट होगा लाइन क्यू यू का, टी जो है मिड पॉइंट होगा क्यू यू का। यदि मैं ट्रायंगल क्यू यू आर की बात करूं तो ये जो टी है आपका, ये जो टी है, ये जो टी है, ये क्या है आपका मिड पॉइंट है, टी क्या है आपका मिड पॉइंट है क्यू यू का, और एस का इसका मिड पॉइंट है। तो टी से यदि मैं एस को मिलाऊं, टी से यदि मैं एस को मिलाऊं, टी मिड पॉइंट है, एस भी मिड पॉइंट है। यदि मैं ट्रायंगल क्यू यू आर की बात करूं तो यू आर कितना है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, टी भी मिड पॉइंट है, एस भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से पहली बात तो टी एस तुम्हारा पैरेलल होगा यू आर के। अगर यू आर 4 सेंटीमीटर तो टी एस कितना होगा आपका 2 सेंटीमीटर होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से लेंथ में क्या होगा तुम्हारा हाफ होगा। तो टी एस की वैल्यू जो आई है वो कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए, बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर AD बराबर DC बराबर BC, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, चतुर्भुज दिया है, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये हो गया एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रिलेटरल है, ओके, दिस वन इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें साइड AD, साइड CD, साइड BC, ये तीनों साइड आपस में बराबर हैं, ठीक है। यहां पे ये एंगल कितना है 80 डिग्री, यहां पे ये एंगल कितना है 160 डिग्री, और आपसे ये एंगल x पूछा है कि ये एंगल x डिग्री क्या है, इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछिए। बहुत अच्छा सवाल है, करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैं आपको एक सिंपल अप्रोच से क्वेश्चन को बताना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे सब लोग, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, ये 80 डिग्री 160 डिग्री दिखता है, 80 160 देख के एक चीज दिमाग में आती है कि यदि मैं 160 को हाफ ऑफ करूं तो 80 डिग्री होता है, 160 को यदि मैं हाफ ऑफ करूं तो क्या बनता है तुम्हारा 80 डिग्री बनता है। तो यदि मैं यहां पॉइंट डी से यदि मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं, इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, ये ई पॉइंट हो गया, तो ये एंगल 90 डिग्री का, तो ये एंगल कितने का बचेगा आपका 10 डिग्री का बचेगा, कितने का बचेगा 10 डिग्री का। यदि मैं बी से डी को मिला दूं, कोई दिक्कत नहीं, बी से डी आसानी से मिल जाएगा, बीसीडी आसानी से मिल जाएगा, मैंने इस तरीके से मिला दिया, कोई दिक्कत, बीसीडी मैंने आसानी से मिला दिया, समझ में है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल डीसीबी बना, त्रिभुज डीसीबी जिसमें ये एंगल कितना है, त्रिभुज डीसीबी में ये एंगल सी तुम्हारा 160 डिग्री, दिस एंगल इज 160 डिग्री, ये एंगल 160 डिग्री है, क्लियर है, कोई डाउट। अगर मैं यहां पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डालूं, ये परपेंडिकुलर डाला मैं, तो ये जो ट्रायंगल डीसीबी है ये तुम्हारा कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, ट्रायंगल डीसीबी क्या है ये, अगर मैं इस तरीके से मिलाऊंगा तो डीसीबी का आइसोसेलस ट्रायंगल है, और आइसोसेलस ट्रायंगल में मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो यही आपका मीडियन होता है, यही आपका एल्टीट्यूड होता है, यही आपका एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी कि अगर 160 डिग्री का एंगल है तो पहली बात तो ये हाफ ऑफ हो जाएगा तुम्हारा 80 डिग्री होगा, पहली बात तो तुम्हारा हाफ ऑफ हो जाएगा 80 डिग्री होगा, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। और यदि मैं इस पॉइंट को F मानता हूं तो मजे की बात है कि DF की वैल्यू जो है वो FB के इक्वल होगी, DF की जो वैल्यू है वो FB के इक्वल होगी, क्योंकि ये ट्रायंगल DCB एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या होगा मीडियन होगा DF FB के बराबर, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा तो ये 80 डिग्री का एंगल होगा, कोई डाउट है इसमें किसी को, समझ में कि नहीं। ये 80 डिग्री 90 डिग्री तो ये कितना होगा आपका 10 डिग्री, 80 डिग्री 90 डिग्री ये कितना होगा आपका 10 डिग्री, क्लियर है, ध्यान से सुनिए। यदि मैं ट्रायंगल ADE और मैं ट्रायंगल DCF, ट्रायंगल A ट्रायंगल ADE ट्रायंगल DCF की बात करूं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, 80 90 10 80 90 10, और यहां पे 90 डिग्री के सामने DC और यहां पे 90 डिग्री के सामने AD, AD और DC आपस में बराबर हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एक्चुअली यहां पे तीनों ट्रायंगल आपस में सर्वांग सम है, चाहे ट्रायंगल ADE की बात करो, ट्रायंगल DCF की बात करो, ट्रायंगल FCB की बात करो, सर्वांग सम है, 80 90 10 80 90 10 80 90 10, समय दिखा है, 90 डिग्री के सामने AD, 90 डिग्री के सामने DC, 90 डिग्री के सामने BC, और AD CD BC इक्वल दिए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, तो तीनों के तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्वेश्चन खत्म, यहां पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस अब अगर ये एंगल 80 डिग्री का तो 80 डिग्री के सामने यहां पे DE है, सपोज 1 यूनिट मान लिया, तो ये 80 डिग्री के सामने DF ये भी 1 यूनिट होना चाहिए, 80 डिग्री ट्रायंगल CFB में 80 डिग्री 80 डिग्री के सामने FB ये भी 1 ही यूनिट होना चाहिए, ये 1 है, ये तुम्हारा कितना है 1+1 2 है भाई, DE कितना आ गया तुम्हारा 1 यूनिट आ गया, ये कितना आ गया तुम्हारा 1+1 2 आ गया, तो ये एंगल कितने का आ गया तुम्हारा 30 डिग्री का आ गया, कितने का एंगल आ गया 30 डिग्री का एंगल आ गया, कौन सा एंगल, यदि मैं ट्रायंगल DEB की बात करूं, त्रिभुज DEB, त्रिभुज DEB की बात करूं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल कितने का होगा भाई 30 डिग्री का होगा, कि नहीं भाई 30 60 90 में होता है, 30 के सामने 1 यूनिट होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है, तो एंगल कितने का होगा 30 डिग्री का, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट और 90 डिग्री के सामने 1+1 2 यूनिट, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 1 है ये 2 है, तो एंगल 30 डिग्री का है, ऊपर वाला छोटू 10 है, तो 30+10 पूरा कंप्लीट कितना हो गया 40 डिग्री, पूरा कंप्लीट कितना हो गया 40 डिग्री, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन 40 डिग्री, क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को, बहुत आसान अच्छा सवाल था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को भी ध्यान से देखेंगे, बहुत लॉजिकल है, अच्छा सवाल है। चलिए आपके पास एक ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC आपके पास है, त्रिभुज त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC इस तरीके से है, ये हो गया ट्रायंगल, ये ABC ठीक है, और इसमें एक लाइन है इसकी इस तरीके से आपकी AD,
लाइन है AD. क्वेश्चन में बोला AD इज एंगल बाइसेक्टर, AD तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये हाफ ऑफ हो गया. AD एंगल बाइसेक्टर है, हाफ ऑफ हो गया, यानी कि और यहां पे एंगल BAC 111 डिग्री दिया है, तो एंगल BAC ये पूरा कंप्लीट 111 डिग्री है, 111 डिग्री है कंप्लीट, तो ये हाफ ऑफ, यानी कि हमने क्या मान लिया, ये अल्फा 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 मान लिया, एंगल बाइसेक्टर है ना, तो इक्वल इक्वल है, अल्फा अल्फा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं. AB प्लस BD बराबर AC, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. AB प्लस BD का सम AC के बराबर है, ये लाइन AB है और ये लाइन BD है, और इनका सम किसके बराबर है, AC के बराबर है. फाइंड एंगल ACB, एंगल ACB यानी कि ये एंगल थीटा आपको बताना है, एंगल ACB की वैल्यू क्या है, ये एंगल थीटा आपको बताना है. क्लियर है, कोई डाउट इसमें? आप ध्यान से सुनना, AB प्लस BD बराबर AC के बोला, यानी कि AB को यदि मैं थोड़ी देर के लिए X मान लूं और BD को मैं थोड़ी देर के लिए Y मान लूं, BD को मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया Y और AB को मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए X, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AC जो है वो आपको X प्लस Y बताया, कितना बताया है, AC आपको X प्लस Y बताया है. क्लियर है, कोई डाउट इसमें? AC कितना बताया है आपको, X प्लस Y बताया है. यदि मैं इसको ब्रेक कर लूं, यदि मैं इसको ब्रेक कर लूं इस तरीके से कि मैं इसको x और y में ब्रेक कर लेता हूं, किसमें ब्रेक कर लेता हूं, x और y में, ऐसा मैंने क्यों किया, ये भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. इसको मैंने इस तरीके से ब्रेक कर लिया कि ये पार्ट x है और ये पार्ट आपका y है, ये पार्ट x है, ये पार्ट आपका y है. क्लियर है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका f है, ये पॉइंट आपका f है, ये x है, ये y है, ए बी एक्स है, बी डी वाई है, ए सी तुम्हारा एक्स प्लस वाई है. इतना सोचना पड़ेगा, तेरी थिंकिंग पावर होनी चाहिए, क्वेश्चन आसान नहीं है ये. इस तरीके से मैंने एसी को ब्रेक कर लिया कि ये एफ तुम्हारा एक्स है और ये एफ सी तुम्हारा वाई है. क्लियर, आप ध्यान से सुनना कहानी, अब यहां से शुरू होती है क्वेश्चन. आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीएफ, ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीएफ, ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीएफ. दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, साइड एक्स, साइड एक्स, भाई ये साइड तुम्हारी एक्स है, ये साइड तुम्हारी एक्स है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, और बीच वाली साइड एडी क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है. बीच वाली साइड एडी क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीएफ, दोनों के दोनों ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट है सर्वांग सम. कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल, साइड की प्रॉपर्टी से, भाई ABX, AFX, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, AD दोनों में कॉमन, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है सर्वांग सम. यदि यहां पे अल्फा के सामने y है, तो यहां भी अल्फा के सामने तुम्हारा y होना चाहिए, यानी कि FD की लंबाई भी कितनी है, तुम्हारी y हो गई. यदि मैं ट्रायंगल FDC को ध्यान से देखूं, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा होगा, ये थीटा, ये थीटा, तो ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 थीटा हो जाएगा. ये एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपका, 2 थीटा, थीटा थीटा, एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया आपका, 2 थीटा. कोई दिक्कत किसी को, दिस एक्सटीरियर एंगल इज 2 थीटा. क्लियर है, कोई डाउट इसमें? यहां पे x और y के बीच में 2 थीटा एंगल है, तो यहां भी x और y के बीच में एंगल 2 थीटा होना चाहिए, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है. भाई यहां पे ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल AFD दोनों, ये F पॉइंट है, ये F पॉइंट है, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल AFD दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम ट्रायंगल है. यहां पे यदि साइड x और साइड y के बीच में 2 थीटा है, तो यहां भी साइड x और साइड y के बीच में 2 थीटा होना चाहिए, तो ये एंगल कितना है, 2 थीटा. क्लियर, क्वेश्चन खत्म. आपसे पूछा क्या है, थीटा की वैल्यू पूछा, ये तो पूछा था थीटा. त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री. ये एंगल आपको कंप्लीट दिया कितना है, 111 डिग्री, ये 2 थीटा है, ये थीटा है, तो 3 थीटा प्लस 111 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, तो 3 थीटा बराबर 180 माइनस 11 यानी कि 69 डिग्री, और यहां से थीटा बराबर 69 बाई 3 यानी कि कितना आ जाएगा तुम्हारा, 23 डिग्री. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, 23 डिग्री, ए ऑप्शन. क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था. आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल एबीसी था, उसमें एडी एंगल बाइसेक्टर था, एसी की लंबाई एक्स प्लस वाई दी थी, तो हमको ब्रेक करना पड़ा उसको, एक्स और वाई में हमने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो यहां पे अल्फा के सामने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एएफडी, कैसे, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, एंगल अल्फा, एंगल अल्फा, साइड एडी दोनों में कॉमन है, कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो यहां पे अल्फा के सामने वाई, तो यहां भी अल्फा के सामने वाई होगा, ये थीटा, ये थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा तुम्हारा, 2 थीटा होगा एक्सटीरियर एंगल, एक्स और वाई के बीच में 2 थीटा, तो एक्स और वाई के बीच में 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा और कंप्लीट 111, आंसर कितना आ गया, 23 डिग्री. कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखेंगे, एबीसीडी इज ए स्क्वायर इन विच, तो हम पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं, एबीसीडी, ठीक है, एबीसीडी इज ए स्क्वायर, इस तरीके से हो गया, ये आपका ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है भाई. चलिए उसके बाद क्या दिया कि उसमें एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, पी क्यू, एक लाइन इसमें ड्रॉ कर दी भाई आपके इस तरीके से, पी क्यू, क्लियर है. चलिए और यहां पे एक और लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से आपकी आर एस, आर एस, ये लाइन आपके इस तरीके से ड्रॉ हुई है, ठीक. इसमें बोला एपी बराबर क्यूसी बराबर डीआर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि एपी भी 1 सेंटीमीटर है, क्यूसी भी 1 सेंटीमीटर है, डीआर भी 1 सेंटीमीटर है, ये तीनों 1 1 सेंटीमीटर दिए, आरएस 5 सेंटीमीटर है, तो आरएस आपकी 5 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है. आरएस इज परपेंडिकुलर टू पीक्यू, और ये जो आरएस है तुम्हारी पीक्यू पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री का है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है. तब शेडेड रीजन का एरिया पूछा है आपसे, शेडेड रीजन का एरिया क्या है, और शेडेड रीजन है क्या, पी बी क्यू सी क्वाड्रिलेटरल है, पी बी क्यू सी क्वाड्रिलेटरल, ये जो दिख रहा है ना आपको, पी बी क्यू सी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, शेडेड रीजन का ये बता रहा है. अच्छा, इस स्क्वायर के अंदर आपको दो क्वाड्रिलेटरल, दो चतुर्भुज दिखाई देते हैं, ए पी क्यू डी, पी बी सी क्यू, ए पी क्यू डी, पी बी सी क्यू, ये जो दो क्वाड्रिलेटरल हैं, दोनों का एरिया आपस में बराबर है, एकदम इक्वल है, कैसे, और दोनों क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखो तो इनमें कोई फर्क ही नहीं, एकदम सेम टू सेम, ये स्क्वायर की साइड, ये स्क्वायर की साइड, ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन,
क्लियर है। और यहां पर अगर ध्यान से देखो, अगर ये क्यूसी तुमको 1 सेंटीमीटर दिया है तो डी क्यू और ये तुमको एपी 1 सेंटीमीटर दिया है, तो डी क्यू और पी भी आपस में इक्वल बचा कि नहीं। अरे सपोज स्क्वायर की साइड ए मीटर है, ये 1 है, तो ये डीसी कितना होगा, तो डी क्यू कितना होगा, ए माइनस 1 होगा, और यदि एपी 1 है तो पी भी कितना होगा, ये भी ए माइनस 1 होगा। हाँ भाई क्लियर है। तो देखिए ये स्क्वायर की साइड, ये स्क्वायर की साइड, पी के दोनों में कॉमन, ये ए माइनस 1 यहाँ पे, ये ए माइनस 1, ये 1, ये 1, तो दो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन रहे हैं, दोनों का एरिया क्या है आपस में इक्वल है, यानी कि मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, और उसका मैं हाफ कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। और स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए मुझे चाहिए स्क्वायर की साइड, तो कुल मिला के जो मेरा प्राइम टारगेट है वो स्क्वायर की साइड निकालना है, तो स्क्वायर की साइड निकालने पे अपने को फोकस करना है। अब देखिए ध्यान से, स्क्वायर की साइड तो चारों स्क्वायर के चारों भुजा बराबर होती है, क्यूसी 1 है तो डी क्यू जो होगा वो क्या बचेगा, स्क्वायर की साइड माइनस 1। इसी तरीके से यदि आप ध्यान से देखो, ये एपी 1 है, पी भी क्या होगा, स्क्वायर की साइड माइनस 1। अच्छा मैं यहां पे क्या करता हूं, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, आपने आर से पी को मिलाया ये मिल गया जी, और आपने आर से क्यू को मिलाया ये मिल गया, हमने इस तरीके से किया, आर से पी को मिलाया, आर से क्यू को मिलाया, ये एंगल कितने डिग्री का भाई, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल कितने डिग्री का, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल एपीआर, ट्रायंगल डीआरक्यू, ट्रायंगल एपीआर, ट्रायंगल डीआरक्यू, ट्रायंगल एपीआर, ट्रायंगल डीआरक्यू, दो ट्रायंगल है, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, क्लियर है, कोई डाउट ध्यान से, ये साइड 1 सेंटीमीटर, ये साइड 1 सेंटीमीटर, यहां पे देखो डीआर 1 सेंटीमीटर, एपी 1 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में 1-1 साइड होने के साथ साथ ये 90 डिग्री का एंगल भी है, और डीक्यू की जो लंबाई है, डीक्यू की जो लंबाई है वही सेम लंबाई आपकी आरए की है, क्लियर है, डीक्यू की जो लंबाई है वही सेम लंबाई आपकी आरए की है। भाई डीक्यू की लंबाई क्या है, स्क्वायर की टोटल भुजा में से एक माइनस कर दो, और आरए की लंबाई क्या है, स्क्वायर की टोटल भुजा में से एक माइनस कर दो, इक्वल है, तो यहां पे ये साइड इक्वल बीच वाला एंगल, ये भी साइड इक्वल, ये साइड इक्वल बीच वाला एंगल, तो दोनों ट्रायंगल जो है एसएएस साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से क्या होगी, सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और जब कॉन्ग्रुएंट है तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना बचेगा, फिर 90 माइनस थीटा होगा, क्लियर, ध्यान से सुनिए, तो हाइपोटेनस और एक के बीच में एंगल क्या बनना है, थीटा, तो हाइपोटेनस और एक के बीच में ये एंगल कितना होगा, थीटा, और अदर एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, इस तरीके से कहानी चलेगी, कोई दिक्कत किसी को, भाई हाइपोटेनस है आरपी और एक के बीच में थीटा, हाइपोटेनस यहां पे आरक्यू, उनके बीच में एंगल ये एक है, उसके बीच में एंगल भी थीटा होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल चूंकि कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये एंगल थीटा, एंगल 90 माइनस थीटा है, तो बीच वाला एंगल ये जो है ये कितने का बचा, 90 डिग्री का बचा, बीच वाला एंगल कितने का बचा, 90 डिग्री का बचा कि नहीं, अगर एंगल थीटा, एंगल 90 माइनस थीटा, तो एंगल कितने का बचा भाई आपका, ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, कोई दिक्कत है किसी को, दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्लियर है। और आपको चूंकि ये दोनों आपके कैसे ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल एआरपी, ट्रायंगल डीआरक्यू दोनों आइसोसेलस हैं, तो जो लेंथ आपकी आरपी की होगी वही लेंथ आपकी आरक्यू की होगी, क्लियर है कि नहीं, तो आरपीक्यू कैसा ट्रायंगल है, एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, आरपीक्यू कैसा ट्रायंगल है, एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसमें हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये क्या होगा, किसी आइसोसेलस ट्रायंगल में यदि तुम अनइक्वल साइड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो उसको क्या करता है, हमेशा बाइसेक्ट करता है, इक्वल इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा बाइसेक्ट करता, क्या हो जाएगा आपका, इक्वल इक्वल हो जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट, यानी कि पीएस की लंबाई वही होगी जो आपकी एसक्यू की लंबाई है, क्लियर है भाई, कोई डाउट है इसमें किसी को, बहुत आसान चीज है, आपको थ्योरी पता होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सेमी सर्कल में बनता है, सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सेमी सर्कल में बनेगा, क्लियर है कि नहीं, आपको यह थ्योरी पता होनी चाहिए कि ये तुम्हारा 90 डिग्री वर्टेक्स है, ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट से यदि आप मिलाओ तो जो तीनों डिस्टेंस बनती है आपस में इक्वल होती है, यदि ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो एडी बीडी डीसी आपस में हमेशा इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि तीनों ही सेमी सर्कल की रेडियस बनेंगी, ये थ्योरी मैं आपको और डिटेल में भी समझाऊंगा, पर आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, याद होनी चाहिए बेसिक बेसिक सी चीजें, ये सपोज आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसमें एंगल 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री हमेशा सेमी सर्कल में बनेगा, ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट इस सेमी सर्कल का सेंटर होता है, तो ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डी है आपका सेंटर हो गया इस सेमी सर्कल का, तो बीडी एडी डीसी हमेशा इक्वल होगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को आप मिलाओगे 90 डिग्री वर्टेक्स से, तो बीडी मीडियन एडी डीसी हमेशा इक्वल इक्वल होता है, और यदि किसी ट्रायंगल में ऐसा हो तो इसका अपोजिट भी ट्रू होगा, ये राइट एंगल होगा हमेशा, क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक, यहां पे यही चीज आपको दिखाई दे रही है, राइट एंगल ट्रायंगल आरपी क्यों है, ये एंगल 90 डिग्री का, हमने सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाला है, लेकिन बाइसेक्ट हो रहा है, इक्वल इक्वल बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है तुम्हारा, ये इक्वल इक्वल बाइसेक्ट हो रहा है, पीएस की लंबाई एस क्यू के बराबर है, क्लियर है, चूंकि ये क्या है, एस आपका मिड पॉइंट है, एस आपका मिड पॉइंट है, आरएस मीडियन है, यदि ये आरएस 5 है तो पीएस भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा और एस क्यू भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, पीएस भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, एस क्यू भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, मैंने क्या बोला, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस के मिड पॉइंट से मिलाओगे तो तीनों लेंथ इक्वल होती है, पिक्चर आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए, 5 ये 5 ये 5, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, 5 5 5, अगर आपसे क्वेश्चन में पीक्यू की लंबाई पूछा होता तो आंसर होता 5 प्लस 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर, लेकिन ऐसा एक स्टेप और आगे पूछ लिया, अब तो क्वेश्चन कुछ बताया नहीं, ये साइड ये आरक्यू कितना है 5, एसक्यू कितना है 5, एंगल कितना है 90 है, तो पाइथागोरस से ये साइड तुम्हारी ये आरक्यू जो है, ये आरक्यू कितना हो गया 5√2, कितना हो गया 5√2, भाई 5 5 कितना हो गया 5√2, कितना हो गया आपका 5√2,
अब ये 5 रूट 2 हो गया, ट्रायंगल DRQ, ट्रायंगल DRQ को ध्यान से देखो 5 रूट 2 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से DQ की लंबाई कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर, 5 रूट 2 यानी कि 5 रूट 2 का स्क्वायर 50, 1 का स्क्वायर 1, 50 माइनस 1 49, 49 का रूट लोगे कितना आएगा DQ 7 सेंटीमीटर, DQ 7 है, QC 1 है, तो इस स्क्वायर की कंप्लीट साइड कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। यदि इस स्क्वायर की कंप्लीट साइड 8 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा 64, और 64 का हाफ सीडी रीजन कितना होगा 32, बी ऑप्शन 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? बहुत अच्छा सवाल था, लॉजिकली था, मैंने आपको काफी सारी चीजें सिखाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। इफ रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, एक आपको बड़ा सर्कल दिया गया है उसकी त्रिज्या बताइए 7 सेंटीमीटर, तो आपसे शेडेड रीजन पूछा है, और शेडेड रीजन एक्चुअली है क्या कि एक बड़े सर्कल के अंदर दो छोटे छोटे सेमी सर्कल डाल दिए, तो उनका एरिया आपसे पूछा है। दो तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान से देखिए कि जैसे सपोज आपके पास ये एक सर्कल है, क्लियर है, और इस सर्कल के अंदर दो छोटे छोटे ये सेमी सर्कल डाल दिए, ठीक है, इसके अंदर दो सेमी सर्कल, एक तो हो गया आपका इस तरीके से और एक हो गया आपका इस तरीके से, और इनके एरिया का सम पूछा है, मतलब शेडेड एरिया आपसे पूछा है, बड़े सर्कल की रेडियस आपको गिवन है, क्लियर है। चलिए कोई डाउट इसमें? तो जो बड़ा सर्कल है, जो बिगर सर्कल है, वो एक सिमेट्रिक फिगर है, और सिमेट्रिक फिगर के अंदर डाले गए दो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल भी दोनों सिमेट्रिक फिगर है, और मैंने आपको बताया कि जब भी हम सिमेट्रिक फिगर के अंदर एक सिमेट्रिक फिगर डालते हैं पूरी तरीके से, तो एरिया एक्सिस के अबाउट जो होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। तो यदि हम बड़े वाले सर्कल का, यदि मैं इस तरीके से डायमीटर खींच दूं, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है, क्लियर है, बड़े वाले सर्कल का क्या है, डायमीटर है, तो जो एरिया डायमीटर की उस तरफ है वही एरिया डायमीटर की इस तरफ है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए फिर, सेमी सर्कल्स के सेंटर होने चाहिए, और ये आपका टेंजेंट पॉइंट होगा दोनों सेमी सर्कल के सेंटर। बड़े वाले सर्कल का सेंटर में यहां पे मान लेता हूं, इस यहां पे लाइक कर रहा है, सपोज ये पी, ये जो पी है ये बड़े वाले सेमी सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, पी जो है बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, लार्जर सर्कल का ये यहां पे है इस तरीके से पी, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए अब ध्यान से देखिए, अब मैं इस तरीके से मिला देता हूं, ये क्या है बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, दोनों क्या बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, नाम दे देते हैं हम, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, क्लियर है, ये एपी भी बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, पीडी भी बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, दोनों ही कैपिटल आर कैपिटल आर। ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का, ये एंगल भी कितने का होगा 90 डिग्री का, क्योंकि हाफ ऑफ डिवाइड कर रहा है, तो एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का, कोई डाउट इसमें? तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल पीएबी, राइट एंगल ट्रायंगल पीसीडी, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो समकोण त्रिभुज, क्लियर है, और इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में 90 90 है, और उनका हाइपोटेन्यूस इक्वल है बड़े वाले सर्कल की रेडियस के बराबर, क्लियर। चलिए यदि मैं इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस को मान लेता हूं, सपोज इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस, सपोज ये तुम्हारा क्या है, ये आपका एक्स है, इस वाले सर्कल की रेडियस हमने मान लिया ये एक्स है, सेमी सर्कल की रेडियस ये एक्स है, और इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस ये सपोज वाई है, ये वाई है, क्लियर है, कोई डाउट? तो ये एक्स है और ये वाई है। अच्छा यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो, ये सीपी और ये पीबी, सी से बी तक की जो कंप्लीट डिस्टेंस है, सी से बी तक की जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो क्या है, ये इस वाले सर्कल का सेंटर और ये इस वाले सेमी सर्कल का सेंटर, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो क्या है, दोनों सेमी सर्कल की रेडियस का सम, सीबी क्या है, दोनों सेमी सर्कल की रेडियस का सम, यानी कि सीबी क्या है तुम्हारा एक्स प्लस वाई, सीबी क्या है तुम्हारा दोनों सेमी सर्कल्स की रेडियस का सम, यानी कि एक्स प्लस वाई, वो डाउट है इसमें? अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एक केस डिस्कस किया था, उसमें क्या बताया था मैंने कि जैसे इस तरीके से आपके पास यदि कोई दो समकोण त्रिभुज हो, एक इस तरीके से हो और एक आपका इस तरीके से हो, ऐसे ही बना लेते हैं, एक आपका समकोण त्रिभुज इस तरीके से हो और एक आपका समकोण त्रिभुज इस तरीके से हो, क्लियर है, मैंने उस पर क्वेश्चन भी बनाया था, उसमें दोनों के क्या है हाइपोटेन्यूस इक्वल है, एंगल 90-90 डिग्री है, उसमें ये साइड आपकी एक्स है और ये साइड कितनी आपकी वाई है, और बाकी इन दोनों का जो सम है, बाकी अदर टू साइड का जो सम है, इनका जो जोड़ है वो तुम्हारा एक्स प्लस वाई है, तो दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्कोरेंट हो जाएंगे, भाई हाइपोटेन्यूस तो दोनों का इक्वल ही दिया है और एक एक साइड इक्वल दिए, कैपिटल आर है वाई है और इन दोनों का सम एक्स प्लस वाई है, तो केवल तभी पॉसिबल है जब ये एक्स हो और ये क्या हो आपका वाई, क्लियर, तो दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम हैं, क्लियर है कि नहीं, अगर दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तो आप यहां पे ध्यान से देख सकते हो कि ये जो दूरी है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्मॉल एक्स और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका कैपिटल वाई, कोई डाउट इसमें यहां से देख सकते हो, हो जाएगा स्मॉल एक्स, हो जाएगा आपका स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और वो आपका स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैपिटल आर, क्लियर है, और ये है क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्स है वाई है आर है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कैपिटल आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है, ये होगी ना हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर अदर टू साइड स्क्वायर का सम, ऐसा होता है, क्लियर है, यदि पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, यदि मैं दो तरफ पाई बाय 2 चिपका दूं, पाई बाय 2 आर स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 वाई स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 वाई स्क्वायर, ये क्या है ऊपर वाले सेमी सर्कल का एरिया, ये क्या है नीचे वाले सेमी सर्कल का एरिया, और ये क्या है दोनों सेमी सर्कल के एरिया का सम, दोनों सेमी सर्कल के एरिया का सम, और ये क्या है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर बाय 2 यानी कि सर्कल के एरिया का हाफ, यानी कि इन दोनों सेमी सर्कल के जो एरिया का सम है वो आपके पूरे बड़े सर्कल के एरिया का क्या है हाफ है, दोनों सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा आपका बिगर सर्कल के एरिया का हाफ होगा, इसको आप एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हो और आप देख भी सकते हो कि हमने इसको प्रूफ भी किया है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अब देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि
यदि बिगर सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर तो शेडेड एरिया क्या है, बिगर सर्कल की रेडियस 7 हो तो शेडेड एरिया क्या है, ठीक है। आपको पता है कि यदि किसी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर तो एरिया कितना आता है 154, यदि किसी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर हो तो एरिया कितना आता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है एरिया, क्योंकि एरिया इसका हाफ होना चाहिए, इन दोनों का जो एरिया है उसका हाफ होना चाहिए 154 बटा 2, आंसर क्या आ जाएगा आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को ना। आप देखेंगे इसका सेकंड मेथड, इसी सेम क्वेश्चन का सेकंड मेथड, सपोज आपके पास एक सर्कल है, यू हैव ए सर्कल, क्लियर, और इस सर्कल के अंदर बने हुए हैं इस तरीके से दो सेमी सर्कल, सर्कल के अंदर बने हुए क्या है दो सेमी सर्कल, क्लियर है, इस तरीके से दो सेमी सर्कल, आपसे इनका शेडेड एरिया पूछा है, तो क्या आपको इन सेमी सर्कल की रेडियस या साइज या कुछ बताया गया है, नहीं बताया गया ना, क्या आपको इन दोनों सेमी सर्कल्स का रेडियस साइज इनका प्लेस कहां पे रखे गए हैं कुछ बताया गया, कुछ भी नहीं बताया गया, तो मैं इनको अपनी मर्जी से कैसे भी मूव कर सकता हूं, बड़ा छोटा तगड़ा मोटा ताजा कैसे भी ले सकता हूं, लेकिन होने चाहिए सेमी सर्कल, क्लियर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नीचे वाला जो सेमी सर्कल है जिसपे मैंने भी ब्लैक ब्लैक किया, यदि मैं इसका साइज उसको साइज बढ़ाता जाऊंगा, मतलब मैं इसको और बिगर साइज का लेना चाहूं, तो ऊपर वाला जो सेमी सर्कल है वो क्या होता जाएगा उसी शेप में छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, इसका साइज बढ़ाता जाऊंगा, मतलब इसको यदि मैं और बड़ा लेना चाहूं तो मुझे जैसे पहले मैंने यहां पे इस तरीके से बनाया था, मैंने यहां पे नीचे लिया सपोज इस तरीके से, अब मैं इस वाले का साइज बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे ये ऊपर लेना पड़ेगा थोड़ा सा, देखिए इसका साइज बढ़ जाएगा तो ऊपर वाले का साइज क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, इस तरीके से चीजें रहेंगी, क्लियर है, कोई डाउट, इस तरीके से चीजें रहेंगी, तो इसी तरीके से यदि मैं करता जाऊं तो फाइनली होगा क्या, ये फिगर ऐसे भी तो बन सकता है कि ये है और ये बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है और मैंने जो सेमी सर्कल यहीं पे बना दिया, ये आपका शेडेड रीजन जो आपसे पूछा, यही आपका शेडेड रीजन जो आपसे पूछा, मैंने इस तरीके से इसको शिफ्ट कर दिया कि ये वाला जो सेमी सर्कल है मैंने ये यही बना दिया और ऊपर वाले सेमी सर्कल को मैंने क्या कर दिया जीरो रेडियस का, कोई दिक्कत है किसी को कोई डाउट है, जब मुझे साइज उसे बताई नहीं है तो मैंने क्या किया कि इसको मैं बड़ा करता गया, इसको काफी बड़े साइज का ले लिया और उसको एकदम जीरो रेडियस का ले लिया, कोई दिक्कत उसकी रेडियस कुछ है नहीं, तो क्या बन गया तुम्हारा शेडेड एरिया बड़े वाले सर्कल के एरिया का क्या हो गया हाफ हो गया और ये तो एरिया खत्म हो गया, आंसर क्या है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस तरीके से आप शिफ्टिंग मेथड से भी इस चीज को सोच सकते थे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कॉन्कोरेंसी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, ट्राइंगल ए बी सी, सो हमने इस तरीके से ट्राइंगल बना दिया, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, और ये लाइन होगी एडी, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर, एडी क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो एडी यदि एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा हाफ हाफ हो जाएगा क्योंकि एडी एंगल बाइसेक्टर है, बीई इज द एंगल बाइसेक्टर और बीई भी आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये हो गया आपका बीई, बीई लाइन और बीई भी आपका एंगल बाइसेक्टर है, दिस लाइन बीई इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये तुम्हारा हाफ ऑफ यानी कि थीटा थीटा हो जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट, क्वेश्चन में बोला गया एंगल एबीसी इज ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी, एंगल एबीसी इज ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी, और एंगल एबीसी है क्या, मैंने 2 थीटा माना है, तो एंगल एसीबी क्या होना चाहिए फिर आपका थीटा होना चाहिए, यानी कि जो एंगल एसीबी है ये क्या है थीटा है, ओके, आपका एंगल एबीसी इसका डबल यानी कि 2 थीटा, और ये एंगल क्या है आपका थीटा, ठीक है ना, तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इसका, चलिए आगे देखेंगे, इसके बाद क्या बोला गया है इसमें, एंगल बाइस इफ ए बी बराबर सी डी, ए बी की लंबाई किससे इक्वल दी है, सी डी के इक्वल दी है, ए बी बराबर सी डी, ए बी मतलब ये कांटा डिस्टेंस ए बी जिसपे हम ग्रीन ग्रीन कर रहे हैं, ए बी ये ए बी, क्लियर है, और सी डी मतलब ये कांटा डिस्टेंस, सी डी मतलब ये ए बी और सी डी जिसपे हमने ग्रीन ग्रीन किया, ये क्या दिया है आपको इक्वल दिया है, ए बी और सी डी क्या दिया आपको इक्वल दिया है, क्लियर है, ए बी और सी डी लेंथ में आपको इक्वल दिया है, ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, तो देखिए बहुत आसान सवाल है, चलिए ठीक, अगर आप सपोज डी से ई को मिला दो, डी से ई को मिला देंगे, सपोज आपने डी से ई को मिला दिया, आपने डी से ई को मिला दिया, क्लियर है, ध्यान से देखना, डी से ई को मिला दिया इस तरीके से, क्लियर है, अच्छा पहले आप ट्रायंगल ई बी सी को ध्यान से देखो, ट्रायंगल ई बी सी, ट्रायंगल ई बी सी को ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ट्रायंगल ई बी सी है क्या, एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और इस समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो लाइन आपकी है, ये जो लाइन आपकी है ई बी, ई बी इसकी लंबाई किसके बराबर है, ई सी के बराबर है, बराबर है दोनों, क्लियर है, कोई डाउट, अब अगर मैं यहां पे थोड़ा ध्यान से देखूं तो मेरे पास दो ट्रायंगल बन के आए, ट्रायंगल एबीई, ट्रायंगल ईडीसी, ट्रायंगल एबीई, ट्रायंगल ईडीसी, ट्रायंगल एबीई, ट्रायंगल ईडीसी, दोनों के दोनों ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए, कैसे सर्वांगसम हो गए, डीसी एबी के बराबर देखो ग्रीन ग्रीन लाइन है, ईसी बीई के बराबर देखो ग्रीन ग्रीन लाइन है, थीटा थीटा उनके बीच का एंगल थीटा थीटा इक्वल दे रखा है, उनके बीच का एंगल थीटा, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो थर्ड साइड जो यानी कि एई, एई की लंबाई किसके बराबर आ गई, ईडी के बराबर आ गई, एई की लंबाई किसके बराबर आ गई आपकी, ईडी के बराबर आ गई, क्लियर है, कोई डाउट, यहां पे एई और ये ग्रीन लाइन एबी के बीच में कितना एंगल है 2 अल्फा, यहां पे ईडी और ये ग्रीन लाइन डीसी के बीच में ये एंगल भी कितना होना चाहिए 2 अल्फा, कौन करेस्पोंडिंग एंगल है आपस में बराबर होंगे 2 अल्फा 2 अल्फा, कोई दिक्कत किसी को, भाई एई जो है ईडी के इक्वल, एबी जो है डीसी के इक्वल, तो दोनों ये जो करेस्पोंडिंग साइड के बीच में ये एंगल 2 अल्फा ये एंगल भी 2 अल्फा, कंप्लीट, कोई दिक्कत इसमें किसी को, बात समझ में आई, अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ट्रायंगल एडीई, त्रिभुज एडीई को ध्यान से देखूं तो एई जो है ईडी के बराबर, ये एंगल अल्फा है, तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका अल्फा होगा,
कितना होगा आपका अल्फा होगा, कोई दिक्कत इसमें किसी को? यदि मैं ट्रायंगल एईडी त्रिभुज एईडी त्रिभुज एईडी को ध्यान से देखूं, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका अल्फा होगा, इक्वल इक्वल होगा, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, क्योंकि ए बराबर ईडी के है, क्लियर है, दोनों इक्वल इक्वल होगा, तो ये अल्फा टू अल्फा, कंप्लीट एंगल कितना होगा 3 अल्फा। अगर मैं ट्रायंगल एबीडी त्रिभुज एबीडी बस चलते जाओ त्रिभुज एबीडी को ध्यान से देखूं, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज 2 थीटा, तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल होगा अल्फा प्लस 2 थीटा, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा तुम्हारा अल्फा प्लस 2 थीटा। अगर मैं ट्रायंगल एबीडी का एक्सटीरियर एंगल देखना चाहूं तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, कंप्लीट अल्फा प्लस 2 थीटा होना चाहिए, तो है कितना 3 अल्फा, और होना कितना चाहिए अल्फा प्लस 2 थीटा। यहां से देखोगे तो 2 अल्फा बराबर 2 थीटा, यानी कि अल्फा जो है तुम्हारा थीटा के बराबर आ गया, अल्फा जो है थीटा के इक्वल आ गया, क्लियर है, कोई डाउट? ये अल्फा जो है किसके इक्वल है आपका थीटा के इक्वल है भाई, ये अल्फा अल्फा और ये 2 अल्फा 3 अल्फा हो गया, और ये अल्फा प्लस 2 थीटा, कंप्लीट अल्फा प्लस 2 थीटा होना चाहिए था, तो यहां से अल्फा बराबर थीटा आ गया, कोई दिक्कत, सबको बात समझ में? ये एंगल तो थीटा, ये एंगल थीटा, कंप्लीट 2 थीटा, ये थीटा है और अल्फा तुम्हारा थीटा है, तो यहां पे थीटा 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 कितने हो गए 5 थीटा, 5 थीटा बराबर कितना 180 डिग्री, और थीटा बराबर 180 बटे 5 यानी कि कितना आ गया 36 डिग्री, थीटा बराबर 36 डिग्री, तो एंगल ACB यानी कि छोटू एंगल की जो वैल्यू है, एंगल ACB इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 36 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? बहुत आसान सवाल, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यस क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिए, स्क्वायर के बहुत अच्छे सवाल है, दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दोनों ही आपको आने चाहिए, दोनों को करने का तरीका भी सेम है, डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको वैसे ही सवाल को सॉल्व करना है। आपके पास एक स्क्वायर है ABCD, आपके पास एक स्क्वायर है इस तरीके से ABCD, क्लियर है, तो ये हो गया ABCD इज ए स्क्वायर, नाउ दिस इज ABCD, क्लियर, चलिए, और यहां पे AE इज द एंगल बाइसेक्टर, देयर फाइंड AF, एक लाइन इस तरीके से खींच दी, यहां पे कोई रैंडम लाइन आपकी, ये AF, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, AF, तो ये एक एंगल बन गया FAB, इसका एंगल बाइसेक्टर है आपका AE, तो ये हो गया आपका AE एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, हाफ हाफ हो गया, एंगल बाइसेक्टर है, इक्वल इक्वल हाफ हाफ हो गया, थीटा थीटा, कोई डाउट इसमें? क्लियर है भाई, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो दिस एंगल इज अगेन थीटा, क्लियर, चलिए, इसमें बोला है EB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो दिस लेंथ इज 3 सेंटीमीटर EB, इसमें बोला है DF 4 सेंटीमीटर, तो यहां से ये लेंथ होगी DF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्लियर है, तो आपसे पूछा AF की लंबाई बताइए, AF की लंबाई क्या है, तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आए तो एक मेथड है वो आपको यूज करना है हमेशा, उसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल AEB, त्रिभुज AEB, त्रिभुज AEB, इसमें एंगल 90 डिग्री का, ट्रायंगल AEB, इसको शिफ्ट करके यहां पे शिफ्ट कर दो, इसको रोटेट करके यहां पे कर दो, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे आपस में, यहां पे हमने बना दिया, हमने यहां पे बना दिया, इस पॉइंट को मैंने P मान लिया, क्लियर है भाई, ये जो लाइन, इसको रोटेट करके आपने इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया, कि ये जो लाइन AB है तो तुम्हारी AD पे आ गई, ओके, ये भी स्क्वायर की साइड, ये भी स्क्वायर की साइड, दोनों इक्वल है, दोनों स्क्वायर की साइड है, दोनों इक्वल है, और ये जो है तुम्हारा ये AE, ये AE जो तुम्हारा हाइपोटेनस है, ये तुम्हारा AP के बराबर है, ये AE हाइपोटेनस है, ये तुम्हारा किसके बराबर है, AP के बराबर है, कोई दिक्कत किसी को? और थीटा के सामने 3 सेंटीमीटर, और ये तुम्हारा एंगल क्या होगा थीटा, ये एंगल थीटा और इसके सामने 3 सेंटीमीटर, यहां पे मैं शिफ्ट कर सकता हूं इसको आसानी से, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बहुत आसान था, बहुत आसान था, क्लियर है, ध्यान से देखिए चीजों को, ये ट्रायंगल ABE है, इसको ऐसे रोटेट करो और यहां पे चिपका दो, ऐसे रोटेट करो और यहां पे चिपका दो, PDA जस्ट ऐसे उठाओ 3 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर की साइड, और ये तुम्हारा क्या हो गया हाइपोटेनस, क्लियर है, कोई डाउट? थीटा था ये, थीटा ये 90, ये कितना 90 माइनस थीटा, कितना 90 माइनस थीटा, हाइपोटेनस और 3 के बीच में 90 माइनस थीटा, हाइपोटेनस और 3 के बीच में ये एंगल भी कितना 90 माइनस थीटा, कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, क्लियर है, हाइपोटेनस AP और 3 सेंटीमीटर के बीच में एंगल भी 90 माइनस थीटा, क्लियर। अब मुझे देखना क्या, मुझे सिर्फ एक ही चीज ऑब्जर्व करने, क्वेश्चन खत्म है, स्क्वायर का कंप्लीट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, स्क्वायर का कंप्लीट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 2 थीटा है, तो छोटू कितना बचा, छोटू बचा 90 माइनस 2 थीटा, छोटू कितना बचा 90 माइनस 2 थीटा, और छोटू 90 माइनस 2 थीटा, ये बीच वाला ये थीटा, तो कंप्लीट कितना हो गया, कंप्लीट कितना हो गया 90 माइनस थीटा, कंप्लीट कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो दिस कंप्लीट रेड रेड एंगल इज 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत है किसी को? देख सकते हैं आप भाई, ये 2 थीटा है स्क्वायर का कंप्लीट एंगल 90, तो 90 माइनस 2 थीटा छोटू प्लस थीटा 90 माइनस थीटा हो गया। आपसे पूछा AF की लंबाई, यदि मैं ट्रायंगल AFP त्रिभुज AFP त्रिभुज AFP की बात करूं, त्रिभुज AFP की, तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, आइसोसेलस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यदि 90 माइनस थीटा के सामने 7 है, तो 90 माइनस थीटा के सामने ये तुम्हारा AFB 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन 7 सेंटीमीटर, क्लियर, कोई डाउट? आसान था, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, यस क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखिए, फिर से आपको एक स्क्वायर दिया है ABCD, सेम अप्रोच हम लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर से सेम अप्रोच, आपके पास एक स्क्वायर दिया हुआ है इस तरीके से ABCD, सो दिस इज ए स्क्वायर ABCD, क्लियर है, चलिए, और इसमें एक ट्रायंगल बना दिया इसके अंदर इस तरीके से, ये बन गया है ट्रायंगल AMN, सो दिस इज योर ट्रायंगल, ट्रायंगल AMN,
क्लियर है, ट्रायंगल ए एम एम एंड दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री, कोई डाउट? डीएम, डीएम कितना बोला है 3 सेंटीमीटर, बीएन कितना बोला है 4 सेंटीमीटर, तो बीएन बोला है आपको इस तरीके से 4 सेंटीमीटर और डीएम, डीएम कितना बोला है आपको इस तरीके से 3 सेंटीमीटर और आपसे एमएन की लेंथ पूछे, फाइंड एमएन, एमएन की लेंथ क्या है, क्लियर है? सेम अप्रोच मैं यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाने वाला हूं, जैसा मैंने पिछली बार किया था, ये जो ट्रायंगल एबीएन है इसको शिफ्ट करके यहां पे लगा दीजिए, ये एबीएन क्योंकि एबी और एडी दोनों आपस में बराबर है स्क्वायर के साइड, तो यदि मैं इसको यहां पर रोटेट करके इसी तरीके से ले आऊंगा तो ये ट्रायंगल इस तरीके से आ जाएगा आपका, यहां पर ट्रायंगल आ जाएगा इस तरीके से एडी और इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं पी, एडीपी, क्लियर है? आपके पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीएन, ट्रायंगल एडीपी, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बस को शिफ्ट करके यहां पे लगाया, ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का, रोटेशन ट्रिक है, और ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का, क्लियर है? ये भी स्क्वायर की साइड, ये भी स्क्वायर की साइड, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस एएन, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस एपी, दोनों क्या होना आपस में इक्वल होगा, दोनों क्या होगा आपस में इक्वल होगा, 4 सेंटीमीटर, अगर यहां पे देखो ये 90 डिग्री और ये हाइपोटेन्यूस 4 सेंटीमीटर, 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस से पीडी कितना आएगा तुम्हारा, ये भी 4 सेंटीमीटर ही होने वाला है, ठीक है? अगर ये एंगल सपोज मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूं तो ये एंगल भी कितना होगा आपका थीटा ही होगा, एंगल थीटा दोनों इक्वल, दोनों एंगल इक्वल होंगे, थीटा थीटा, क्लियर है भाई? सेम ट्रायंगल बस ऐसे ही तो रोटेट किया, तो ये थीटा थीटा और ये 4 सेंटीमीटर उठ के यहां पे चिपक जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्लियर है? वो डाउट इसमें, चलिए आंसर देखेंगे, तो दिस एंगल इज व्हाट थीटा, दिस एंगल इज व्हाट थीटा, क्लियर है वो डाउट? अब स्क्वायर का कंप्लीट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री 45 प्लस थीटा, तो ये कितना बचा 45 माइनस थीटा, ये छोटू एंगल जो बीच में दबा पड़ा है कितना बचा 45, भाई अगर ये थीटा है ध्यान से देखो इसको, अगर ये सपोज आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, ये 45 प्लस थीटा हो गया, तो ये छोटू कितना बचा, छोटू 45 माइनस थीटा ही तो बचा, तो ये 45 माइनस थीटा, ये थीटा है 45 माइनस थीटा, तो कंप्लीट कितना होगा, कंप्लीट एंगल कितना होगा, दिस कंप्लीट एंगल, दिस कंप्लीट एंगल हो गया आपका 45 डिग्री, दिस कंप्लीट एंगल इज 45 डिग्री, कितना हो गया थीटा प्लस 45 माइनस थीटा कंप्लीट कितना होगा 45 डिग्री, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ध्यान सुनिए, यदि अब आप ध्यान से देखो ट्राइंगल ए MP और ट्रायंगल AMN, ट्रायंगल AMP, ट्रायंगल AMN, यहां से देखिए साइड AM दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, साइड AM तो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, उभयनिष्ठ साइड AM, AN की लंबाई AP के बराबर है, दोनों हाइपोटेन्यूस बन रहे हैं, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के AP और AN इक्वल है, तो दो साइड इक्वल है, ये एंगल कितने का है बीच में 45 डिग्री, ये एंगल भी कितना उनके बीच में 45 डिग्री, कि साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए, अगर यहां पे 45 डिग्री के सामने 4 प्लस 3 7 सेंटीमीटर है, तो यहां भी 45 डिग्री के सामने 4 प्लस 3 7 सेंटीमीटर ही होगा, यानी कि MN की जो लंबाई है वो तुम्हारी कितनी आएगी, बी ऑप्शन 7 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या है आपका 7 सेंटीमीटर, क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत आसान सवाल था, लॉजिकल था, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखेंगे, ये आपका एनके सिन्हा का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्ग्रुएंसी का इजी है, मैं इसको भी आपको दो तरीके से बताऊंगा, चलिए ध्यान से देखेंगे, आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर, आपके पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ये हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको साइड पी क्यू को आगे बढ़ा गया है इस तरीके से क्यू एस, क्यू एस थ्रो टी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड क्यू आर, और ये जो है क्यू आर का मिड पॉइंट दिया है टी, ठीक है, एक ऑफ ए ट्रायंगल पी आर क्यू एक स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन टू मीट PQ produced to S and PR at U, तो PQ को आगे प्रोड्यूस किया गया S तक, और यहां पे S से एक लाइन प्रोड्यूस की गई है जो मिड पॉइंट से इस तरीके से पास करती है, जो जाकर कहां पे मिलती है, इसको U पे मिलती है, इसको कहां पे मिलती है, U पे मिलती है, क्लियर है? पॉइंट U पे जाके मिलती है, ठीक है ना? ट्रायंगल PQR था, साइड QR का मिड पॉइंट है T, यानी कि QT की लंबाई TR के बराबर, साइड PQ को S तक प्रोड्यूस किया गया, फिर S से ST को मिलाकर लाइन खींची गई जो PR को कहां पे जाके मिलती है, U पे जाके मिलती है, सो दैट PU बराबर PS, इस तरीके से कि जो PU की लंबाई है वो PS के बराबर है, फिगर में देखने में लग नहीं रहा है, पर मान लीजिए कि जो PU की जो लंबाई है, दिस लेंथ PU, ये तुम्हारा PS के बराबर है, PU की जो लंबाई है वो आपको किसके इक्वल है, PS के इक्वल है, ठीक है? द लेंथ ऑफ UR इज 2 यूनिट, यदि UR की लंबाई 2 हो तो लेंथ ऑफ QS, QS की लंबाई क्या है, QS की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा है, यदि UR की लंबाई 2 हो, यदि UR की लंबाई 2 हो तो QS की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा है, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए, अगर मैं ट्रायंगल PSU को ध्यान से देखूं तो आइसोसेलस ट्रायंगल, दैट मींस अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना है अल्फा, दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल, ट्रायंगल PSU एक समद्विबाहु त्रिभुज है भाई, अगर एंगल अल्फा है तो एंगल भी अल्फा ही होगा, क्लियर है? चलिए अब देखिए ध्यान से, वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मैं आपको इजी मेथड से भी बताऊंगा, ध्यान से देखिए, अगर हम ये देखिए ये एंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये अल्फा है, तो मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना सकता हूं, अगर मैं इस साइड को आगे यहां से एक पैरेलल लाइन खींच दूं, यहां से मैंने एक ये पैरेलल लाइन खींच दी, किसके पैरेलल, तुम्हारा इसके पीएस के पैरेलल एक लाइन खींच दी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, पॉइंट आर से मैंने पीएस के पैरेलल एक लाइन खींच दी, लग नहीं रही पैरेलल, यहां से इस तरीके से मैंने पैरेलल लाइन खींच दी, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? तो ये पैरेलल लाइन है तुम्हारी पॉइंट आर से पीएस के पैरेलल है, और मैंने टीयू को आगे बढ़ाया, तो इस तरीके से पैरेलल लाइन एक दूसरे को यहां पे मिल रही है, पॉइंट ये वी मान लो, पॉइंट वी पे, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? यहां पे जाके मिल रही है पॉइंट वी पे, यानी कि जो लाइन पीएस है ये तुम्हारी वीआर के पैरेलल है, पैरेलल लाइन खींची और इसको मैंने आगे बढ़ाया, पॉइंट वी पे जाके मिल रही है, कोई डाउट इसमें? अब मेरे पास दो ट्रायंगल बनकर है, ट्रायंगल एसक्यूटी, ट्रायंगल टीवीआर, त्रिभुज एसक्यूटी, त्रिभुज टीवीआर, ट्रायंगल एसक्यूटी, ट्रायंगल टीवीआर, दो ट्रायंगल है, दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, कैसे सर्वांग सम है, ध्यान से देखिए,
अगर ये एंगल अल्फा है तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल भी कितने का होगा, अल्फा होगा, एंगल भी अल्फा होगा कि नहीं, ध्यान से देखिए। ये क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हो ही गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। क्यूटी जो है टीआर के इक्वल है, यहां पे अल्फा के सामने क्यूटी, यहां पे अल्फा के सामने टीआर, तो क्यूटी टीआर इक्वल इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग साइड है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 है, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी हो गए, कॉन्ग्रुएंट भी हो गए, कोई दिक्कत। यहां पे ये एंगल के सामने है साइड वीआर और यहां पे इसी एंगल के सामने साइड क्यूएस, यानी कि वीआर की लंबाई क्यूएस के बराबर है। VR जो है, VR की लंबाई किसके इक्वल है, QS के बराबर है, जो VR लेंथ है वो किसके इक्वल है, QS के इक्वल है। तो मेरा जो टारगेट है वो क्या है, VR की लेंथ निकालना, VR की लेंथ निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अगर ये एंगल अल्फा दे रखा है, भाई ट्रायंगल PSU आइसोसेलस दे रखा है, एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, अल्फा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल अल्फा अल्फा। अगर मैं ट्रायंगल UVR को ध्यान से देखूं, ट्रायंगल UVR इस तरीके से है, ये हो गया इस तरीके से, दिस इज यू, दिस इज वी, दिस इज आर, और ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, दिख रहा है आपको। यू आर की लंबाई कितनी दी है, दो, तो वी आर की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। कैसे, आइसोसेलस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा है, आइसोसेलस ट्रायंगल है, कोई डाउट इसमें, दो दो, तो वी आर की लंबाई यदि दो है तो एस क्यू की लंबाई भी कितनी होगी, 2 यूनिट। तो आंसर क्या इसका, सी ऑप्शन, 2 यूनिट्स, क्लियर है, कोई डाउट। तो ये था कॉन्कुरेंसी से मैंने आपको सिखाया, बहुत आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपको एक चीज जो सिखाई थी, मैनुलस थ्योरम, ठीक है ना, मैनुलस थ्योरम से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखेंगे क्या था मैनुलस थ्योरम, मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया था। जैसे सपोज आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, और आपने इस साइड बीसी को आगे बढ़ाया इस तरीके से डी पॉइंट तक, और यह है आपका ई पॉइंट और यह है आपका एफ पॉइंट, कैसे ले सकते हो, डजंट मैटर, क्लियर है। चलिए, तो मैनुलस थ्योरम के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट यह था कि यहां से शुरू करिए, AE by EB इनटू बी, बी से पूरा आगे बढ़ जाइए, कूद जाइए बीडी, फिर वापस नहीं आना पड़ेगा सीडी, इनटू फिर सी से एफ सीएफ और फिर एफ से ए सीएफ बाय एफए, बराबर क्या होता है 1। ये थी आपकी मैनुलस थ्योरम, मैंने इसका आपको प्रूफ भी बताया, क्लियर है। तो ये कुछ कुछ फिगर ऐसा ही लगता है कि नहीं, तो यहां पे मैं ये मैनुलस थ्योरम आसानी से लगा सकता हूं कि नहीं, ध्यान से देखिए, मैं यहां पे लगा के दिखाता हूं कोने पे। ये ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड को आगे बढ़ाया, तो मैं यहां से शुरू करूंगा आर से, आर से कहां पे गया, यू पे, आर यू, फिर आर यू से फिर मैं यूपी पे, आर यू बाय यूपी इनटू, फिर पी से एस पे वापस आओगे पीएस, ठीक है, फिर पीएस पे वापस आए, फिर वापस जाओगे एस क्यू, पीएस बाय एस क्यू इनटू पीएस बाय एस क्यू, फिर क्यूटी, क्यूटी और फिर बाय टीआर, क्यूटी बाय टीआर, बराबर क्या आना चाहिए तुम्हारा, 1 होना चाहिए, यही मैनुलस थ्योरम है भाई। आर से यू, यू आर यू बाय यूपी, फिर पी से एस, एस से क्यू, पीएस बाय एस क्यू, क्यूटी अपॉन टीआर बराबर 1। आर यू, आर यू क्या है आपको, आर यू नहीं पता मुझे क्या है, ठीक है, आर यू की लंबाई दे रखी है क्वेश्चन में, यस, आर यू आपका 2 यूनिट दिया, यू आर आपका 2 यूनिट दिया क्वेश्चन में, पीयू की लंबाई पीएस के बराबर बताइए, देखो लिख रहा है ना पीयू बराबर पीएस, तो देखिए यूपीयू से आपका पीएस कट गया, क्लियर है। क्वेश्चन में टी क्या है, मिड पॉइंट बताया है, तो देखिए क्यूटी और टीआर तो आपस में इक्वल है, तो क्यूटी से टीआर भी कट गया, तो आर यू कितना है, 2 2 बटे एसक्यू, क्या बचा तुम्हारा 1, यहां से एसक्यू कितना आ गया तुम्हारा 2 यूनिट, एसक्यू कितना आ गया यहां से 2 यूनिट। तो इस तरीके से मैनुअल थ्योरम से आपका एक क्वेश्चन निकला है, सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत इसमें किसी को, बहुत आसान सवाल था, इजी क्वेश्चन था। आर यू बाय यूपी मतलब 2 बाय एसक्यू और ये पीएस बाय एसक्यू, क्यूटी बाय टीआर लगाया, ये पीएस यूपी आपका इक्वल दिया, ये क्यूटी टीआर मिड पॉइंट है, क्योंकि टी मिड पॉइंट है, तो क्यूटी बराबर टीआर आ गया, यहां से एसक्यू कितना आ गया 2 यूनिट। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, क्लियर है, कोई डाउट यहां पे। आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्फ्रेंसिंग पे करा दिए हैं, 15 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है भाई। चलिए, आप डाउट के लिए एक और नंबर रेफर कर सकते हो, मैं आपको नंबर यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, 2 नंबर मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, एक सेकंड, यस, आप इस नंबर पे भी अपने डाउट भेज सकते हो पैरेलली, 7677552708, ठीक है भाई, ओके। चले, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डील करेंगे इन सेंटर के साथ और इन सर्कल के साथ। पहले अब हमारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं, बड़े बड़े सेंटर, सेंटर्स के बाद कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं बचती, फिर एक ही चीज बचती है सर्कल्स, ठीक है। सर्कल्स में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा दे दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ज्योमेट्री थोड़ा बड़ा टॉपिक, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए, टेक केयर, बाय।